लैपटॉप ही लगेगा क्या? हीरो हीरो हो गया, लाइव हो गया। ठीक है, चलो सारे रसगुल्ले एक बार सीधे बैठ जाएंगे, नीचे के रसगुल्ले भी सीधे बैठेंगे। आप सभी लोगों को मेरा राधे राधे, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्ती में हो, तंदुरुस्त हो, झगास हो। तो अगर झगास हो तो नीचे वाले, आजू वाले, बाजू वाले, ऊपर वाले और ऑनलाइन वाले, एक प्यारी सी स्माइल थोबड़े पर लेके आओ पहले। डू जेन्युइनली फील इट? ए रसगुल्ले लाल कलर का, हंस एक बार नलायक, पैसे लगते क्या एडे? उसी स्माइल से क्या क्या हो जाता मालूम है तुझे? अ स्माइल कैन डू सो मेनी थिंग्स। ओके गुड। सो रसगुल्ले बच्चों, आप सभी लोगों से एक बात बता रहा हूं, था क्या बता रहा था कि भाई एक बार गुड इवनिंग भी बात कर लेते। एक बार गुड इवनिंग बोलो ना लाइको, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। और अभी पहली बात करते हैं नीचे बैठे हुए मेरे सुस्त मुर्गों की। तो सुस्त मुर्गों और सुस्त मुर्गियों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सभी लोगों को हर रोज नीचे नहीं बैठना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड यू आर सिटिंग डाउन, बट आने वाले समय में हम क्या करेंगे, आई विल बी सेंडिंग यू अ लिस्ट वंस अ टेलीग्राम ग्रुप इज डन। उस लिस्ट में नीचे कौन बैठेगा ये मैं आपको पहले ही बता दिया करूंगा, एक दिन पहले। ठीक है, तो ऐसे राउंड सर्कल में चलेगी चीजें, समझे? करो एक बार, वो कैसे करते हो? गुड। तो अभी जो डर था निकल गया कहीं से? डर था निकल गया? नहीं नहीं, यू विल हैव टू यू नो मैनेज विद एवरीवन, बिकॉज क्या होता है कि जो पहले से बैठे रहते हैं फिर वो रहते हैं, फिर उसके बाद में जो नए आते हैं देन दे फील यार कि नहीं हम भी देखे नजदीक से। दैट्स द रीजन। सो ओके, ऑनलाइन लाइव वालों तुमको बात समझ में आ गई? ये ऑनलाइन लाइव क्या, नीचे के बैठे हुए रसगुल्ले समझ में आ गए कैसे ये चलने वाला? सो आई विल बी सेंडिंग यू दी लिस्ट ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू सिट डाउन, और कौन ऊपर बैठेगा कैसे, नहीं कौन नीचे बैठेगा बस उतना ही दूंगा। तो उन्होंने अपना नाम चेक कर लेना और उसके हिसाब से बैठ जाना, समझ गए क्या? चलो रसगुल्लो बच्चों अब आगे बढ़े। मुझे एक बात बताओ, कल कुछ क्वेश्चन होमवर्क थे, ऐसे टाइम पास कुछ होमवर्क दिया था है ना, तो मुझे आप बताएंगे क्या होमवर्क था? सेक्शन नंबर फाइनल अकाउंट कौन सा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 है क्या? नहीं, फिर कौन सा है? 1 अच्छा 129 128 ये सेक्शन ठीक है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डिफाइंड होते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 में डिफाइंड होते हैं, और उसके तहत चलो छोड़ो अपने को लॉ में तो आपको पढ़ाई जाएगी ये चीजें, बट फिर भी मैं अगर आपसे पूछूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से पढ़ के आया बताओ मुझे? मैंने पूछा था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। पहला बैलेंस शीट, ट्रेडिंग नहीं होता कुछ भी, पहले इनकम स्टेटमेंट होता है क्या? P&L अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर नोट्स टू अकाउंट्स, और एक था अगर किसी ने, और एक था अगर तुम जाके देखोगे, चल रहे नेक्स्ट झूठे। और कौन है बच्चा, एक बार क्लैप कर दे छोरे के लिए, बराबर बताया एकदम, बहुत भारी। इट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कौन सा बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज आप ऑनलाइन देखोगे अगर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डाउनलोड कर तो आपको ये 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे, बट आपको जो हम पढ़ाएंगे इंटरमीडिएट में कितने पढ़ाएंगे, 4। CA फाइनल में जब आप जाओगे तब आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी देखने को मिलेगा। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते कौन से, क्योंकि मुझे सेक्शन में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। कल को जाके तुम्हें कोई पूछेगा कि कंपनी के कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं बताओ ना, तो तुम क्या बताओगे? पहले P&L अकाउंट, दैट इज इनकम स्टेटमेंट, बोलो दैट इज इनकम स्टेटमेंट, फिर बैलेंस शीट, फिर नोट्स टू अकाउंट्स, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ऐसे कितने हो गए? 5। अभी आज अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी के अगर आप जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे तो उसमें कितने मिलेंगे? 5, बट आपको हम इंटरमीडिएट में कितने पढ़ाएंगे? 4। हैप्पी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर्स कहां जाते हैं, राइट? तो आप मुझे बताओगे कॉल्स इन एडवांस मतलब पैसा एडवांस में मिल जाता है वो कॉल्स इन एडवांस होता है? हा, हिप्पोपोटामस काजीरंगा जाओ, फिर ऐसे ऐसे जवान गले करके बेशरम, लोग पैसे देंगे तुझे पानी में डालेंगे तेरे को बेशरम। मैं गया था तब देखा था, इतना गुस्सा आया था, मैं क्या देख रहा हूँ यार, इस ओपनिंग इस माउथ और हम उसको देखने जा रहे हैं वहां पे, एनी विच वेज ठीक है, नंगा हिप्पोपोटामस। सुनो आई वॉज आस्किंग यू, क्या पूछ रहा था मैं तुमको, कॉल्स इन एडवांस कहाँ जाता है? कॉल्स इन एडवांस एक लाइबिलिटी होती है, सही है क्या?
कॉल्स इन एडवांस एक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि पैसा एडवांस में मिला, जो भी पैसा एडवांस में मिला वो क्या होगा? लाइबिलिटी। और ये लाइबिलिटी किधर जाता है? अदर करंट लाइबिलिटीज। कितने बच्चे कर गया? अच्छा पता नहीं। अच्छा करंट लाइबिलिटी में अदर करंट लाइबिलिटी, उसके अंदर ब्रेकअप होते हैं, जैसे लड़का उसके अंदर एक ब्रेकअप होता है, अच्छा लड़का मतलब होते हैं ना वैरायटी बॉयज में भी, हाँ ठरकी ऐसे तो तुरंत समस्या। सो उसके अंदर जो वैरायटीज होती है ना, उसके अंदर करंट लाइबिलिटी में एक वैरायटी होती है, उस वैरायटी का नाम क्या है? अदर करंट लाइबिलिटी। तो कॉल्स इन एडवांस उधर जाता है। कितने बच्चे को यह पता चला था कि लाइबिलिटी में जाता है? घर पर जब देख के आए थे कितने बच्चों को पता चला था? बाकी के बच्चों तुमने देखा भी नहीं, कोशिश भी नहीं करी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये खास बात होती है सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी आपको ये पता कर देती है कि कौन सी चीज कहां जाएगी। अब मुझे एक छोटी सी एक बात बताओ, मैंने कल भी बताया था कि विद्या को खरीद नहीं सकते आप, पैसा देना 1% भी काम नहीं हुआ है। तो आप मुझे बताओ, जो बच्चा पढ़ के आ गया उसको ध्यान में आई ये चीज, और जो नहीं पढ़ के आएगा उसका? समझा, यहीं पे फर्क होता है, यहीं पर कर्म का फर्क होता है। तो प्लीज पढ़ना जब होमवर्क दिया जाए। सो कॉल्स इन एडवांस विल गो इन करंट लाइबिलिटी। आपने लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी भी बोला तो मेरे लिए काफी था। अच्छा रसगुल्ले बच्चों, कॉल्स इन अरियर्स कहां जाता है यार? एसेट मतलब गलत पढ़ के आई है शेमड़ी। वाह 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 वाह, मेरे रसगुल्ले बच्चे ऑनलाइन लाइव ने बराबर बोला, कॉल्स इन अरियर्स अंदर अदर करंट एसेट। नो, कहां जाएगा? ये शेयर कैपिटल में, सब्सक्राइब कैपिटल में से लेस होता है क्या कॉल्स इन अरियर्स? शेयर कैपिटल में कॉल्स इन अरियर्स जो मिला नहीं है वो कहां से लेस होता है? सब्सक्राइब कैपिटल में से लेस। चिंता की कोई बात नहीं, इसको मैं कर दूंगा। कितने बच्चे पढ़ के आए कि कॉल्स इन अरियर्स लेस होता है? कहां से? सब्सक्राइब कैपिटल में से। अच्छा तो क्या चीज समझ में आई आपको, फर्क पड़ता है क्या? अच्छा कितने बच्चों ने नहीं पढ़ा? अपने क्लास में और एक रूल है कि कोई झूठ नहीं बोलता है। कितने बच्चों ने नहीं पढ़ा, कोशिश भी नहीं करी? हाँ, अंडी बंडी शंडी जो झूठ बोल रहा है, दैट्स लवली, गुड। नीचे के बच्चों तुमको क्या इधर शोपीस बोलकर बिठाया क्या? कितने बच्चे पढ़ के आए और कितने बच्चे नहीं पढ़ के आए, हाथ ऊपर करो, नहीं पढ़ के आए। अच्छा चलो आज एक बात कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ी सी देर बात कर सकते हैं हम दोनों? मैं कभी कभी आपके साथ में ऐसी बातें किया करता हूं, ठीक है? तुम सुनेंगे? चलो अभी एक काम करते, इस क्लास के सारे बच्चे पास होंगे? बशी, इतने साल से बड़ा रब तो हुआ नहीं, मुझे लगता नहीं ऐसा होना भी चाहिए। मतलब एक बच्चा ऐसा जो क्लास में बैठा है पढ़ भी नहीं रहा है, और वो पास हो जाएगा? फिर सभी लोग बंद कर दो, मैं भी आना बंद करता हूँ। जब ये डिसाइडेड ही है तो फिर सब खत्म करते किस्सा। सब लोग पास हो सकते हैं? ये रूल नंबर वन, जितना जल्दी दिमाग में डालो उतना अच्छा। भगवान ने जिस तरीके से हमें बनाया है, जिस घर में हमारी परवरिश हुई, जिस घर में हमारा जन्म हुआ, उस सभी चीजों से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर समानता है ही नहीं। वो समानता नहीं, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है? यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। जैसे देखो आप, कोई लोग बहुत रिच घर में पैदा हुए, कोई पुअर घर में पैदा हुए, सभी लोगों का रंग रूप अलग अलग है, सब लोग अलग अलग है, राइट? कुछ लोगों का बचपन हार्डशिप में गया, कुछ बच्चों का बचपन बहुत अच्छे से गया, राइट? कुछ बच्चे फिजिकली वीक होते हैं, कुछ बच्चे फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। सो बेटा जी, विषमता रहेगी, यू विल नॉट बी ऑल सेम, यू विल नॉट बी ऑल सेम। सो रूल नंबर वन बिकम्स इज दैट यू डोंट कंपेयर इट विद अदर्स। एंड द सेकेंड थिंग, द रूल नंबर टू विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन सी ए, इज यू स्टार्ट कमिंग इन द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब वो लोग होते हैं जो पढ़कर आते हैं, माइनॉरिटी में आना। अब एक काम करते हैं, तुम खड़े हो जाओगे मंचूरियन, क्या बात है, मंचूरियन उसको बोलता हूँ जिसके घुंघराले बाल होते, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसको खा जाऊं, मंचूरियन जैसा दिखता है, मेरा फेवरेट डिश है एनी विच वेज। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, इसको दो, तुम्हारा नाम आज से, तुम्हारा नाम क्या पहले बताओ? तनव पाटिल। तनव पाटिल, पाटिल साहब थोड़ी देर के लिए आप भगवान बन सकते हो, प्लीज प्लीज मेरे लिए चाहिए। हाँ श्योर, और वैसे भी हर एक व्यक्ति में भगवान का वास होता है, तो ये भगवान है, अल्लाह है, या जो कुछ भी आप इसको नाम देना चाहो दे दो, ये भगवान का स्वरूप है आज हमारे पास। सो भगवान मुझे एक बात बताइए, ये सभी बच्चे हैं आपके सामने और इनको आपको फल देना है, ठीक है? तो आप फल किसको दोगे? जो पढ़ाई करेगा, जो मेहनत करेगा उसको, या जिसको कुछ नहीं आता, निठल्ला है, आकर इधर बैठ जाता है और उसको लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा, किसको फल दोगे आप? मेहनत करने वाले से। अच्छा ऐसा कोई बच्चा है कि जो ऐसा मानता है कि जो मेहनत नहीं करेगा उसको भी फल मिलेगा? भाई साहब समझ लो इस बात को, इधर कर्म ही सब कुछ है, मेहनत करोगे तो ही आगे जाओगे। गलती से भी गलत चीज का एहसास दिमाग में मत डाल लेना, ये बीकॉम नहीं है, ये फाउंडेशन नहीं है, होमवर्क करके आना चाहिए था, क्या बड़ी बात थी।
बहुत बड़ा होमवर्क था ना। एक और होमवर्क था, फॉर्मेट देख के आना था। कितने बच्चे फॉर्मेट देख के आए? अरे ये भी नहीं देख के आए। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या हुई ऐसी? एडजस्ट नहीं हो रहे अभी? क्या क्या इश्यू हो रहा है? बैठो बैठो। हाँ तो मेरे हिसाब से मैंने आज जीवन का एक उसूल आपके लिए क्लियर कर दिया। वो आदमी आगे जाता है जिसके पास पैसा है, वो नहीं। तुम्हारे पास पैसा वापस से निकाला जा सकता है। जो गरीब आदमी है वो अमीर होते हुए, और जो अमीर आदमी वो गरीब होता है। पैसा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहेगा। विद्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको मिल गई, कोई आपसे निकाल नहीं सकता। विद्या एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपको मिल गई, कोई निकाल नहीं सकता। उसके ऊपर काम करो, वो परमानेंट वेल्थ है आपकी। आज के तारीख में मैं कभी भी भूखा नहीं सोऊंगा, मैं इसके बारे में गारंटी देता हूं। अगर मेरे पास मेरा दिमाग रहेगा और मैं चलता फिरता रहूंगा, तो मान लो चलता फिरता भी नहीं रहूंगा, बुद्धि रहेगी तो आई विल बी एबल टू वर्क ऑन दैट। इधर पूरी दुनिया में जिस भी व्यक्ति ने पैसे कमाए हैं, जिस भी व्यक्ति ने नाम शोहरत कमाया है, या जिस भी व्यक्ति का नाम बहुत बड़ा आगे गया है, वो सिर्फ उसकी बुद्धि की वजह से या उसके कर्म की वजह से गया है। आप जाके चेक कर सकते हो। किसी को तो आइडियल बनाओ अपने जीवन में, किसी को तो। और जब आइडियल बनाओगे तो देखना उन्होंने क्या क्या काम किया है। ये बहुत ज़रूरी है बेटा, समझना। छोटे हो अभी आप, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और धीरे धीरे करोगे तो आराम से हो जाएगा। नहीं करोगे तो आज कोई वो होमवर्क नहीं करके आए तो ऐसा मत सोच लो कुछ बहुत बड़ा पाप कर दिया। कुछ नहीं, मैं कर देगा हैंडल, फालतू चीज़ है। बट क्या है, आदत सही लगनी चाहिए। चोरी जब छोटी हो ना तभी थप्पड़ लगाना, जब बड़े डकैत डाल के आए ना तब बोलकर कुछ मतलब नहीं है। तो इसीलिए अभी आपको सही समय पर बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ गई। नीचे के रसगुल्लो समझ में आ गया कि नहीं? ऑनलाइन के रसगुल्लो गधेड़ो जल्दी से हो बोलो, ऑनलाइन के रसगुल्लो समझ में आया? शी यार, मुझे समझ में नहीं आया, इमोजीज में पॉटी की साइन कौन बनाता है, और वो भी पिंक कलर की, पिंक कलर की पॉटी की साइन। शी नाउ हियर वी गो। कल जो कुछ भी मैंने पढ़ा है वो एक बार रिकैप कर लेते, रिवाइज कर लेते। आप रिवाइज करने के लिए रेडी हो? सो रसगुल्ले बच्चों, ये सुनो ना, कल एक ऐसा लोचा हुआ था कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको, अरे अभी तक तो आपको पता भी नहीं चला मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं तो आता हूँ और बात करके चला जाऊँगा। तुमने भी ऐसे ही बात करके चले जाने का, और कुछ होमवर्क दिया तो उतना सुन लेने का। जो कुछ भी है वो क्लियरली समझ में आएगा नहीं, क्योंकि हम अभी तक क्या कर रहे हैं, बेसिक्स पर पढ़ रहे हैं। ये कब आपको कनेक्ट होगी चीज़ें, जब मैं टॉपिक को शुरू करूँगा, जिसकी एक छोटी सी झलक आज आपको दूंगा, तब आप आराम से चीज़ों को करने लग जाओगे। इज दैट हो गया? सो हियर वी गो। बेटा जी, कल हमने बताया था कि प्रोसेस क्या होती है अकाउंटिंग की, बहुत जरूरी है। तो पहले क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर क्या होता है, जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई ला, तुम सभी लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पता चल गए कि भाई साहब आपके इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने होते हैं, चार या पांच? आप कितने पढ़ेंगे, चार या पांच? लिस्टेड कंपनीज के कितने होते हैं, क्या आपको उनके नाम पता चल गया है क्या? पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इज दैट ओके? एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, यस, क्योंकि एक जगह चार है, एक जगह कितने हैं, पांच। तो इसलिए एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन सकता है, कोई टेंशन नहीं है। अपन समझेंगे इस चीज को, किस तरीके से हमको इसको डील करना है। हैप्पी, लेट्स गो टू द सेकंड स्टेप। राजा बेटा जी, मुझे बात बताओ, पी एंड एल अकाउंट में या आपके इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें जाती है, एक जाता है इनकम और एक जाता है एक्सपेंस। नलायक विक्या मोबाइल मत देख, ध्यान दे उधर, गधेड़े गावटी गाय छाप मोबाइल वगैरह पाठोला क्या तुला तिकड़े, बारी है स्टाइल अपनी। सो अब मैं आपको ये पूछ रहा हूं, अरे वो बोलते एकदम खड़ा हो गया एकदम, आई एम आस्किंग यू व्हाट आर द टू थिंग्स विच गोज इनटू द इनकम स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंस। से यस, इनकम को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है, इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, इनकम कम होती है तो क्या होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, कम होता है तो क्या होता है। आई ला, बेस्ट है, मुझे बताओ बैलेंस शीट में क्या होता है, असेट्स और लाइबिलिटीज, और एक आइटम होता है कैपिटल। अरे लाइबिलिटी और कैपिटल में क्या फर्क होता है, लाइबिलिटी किसको पे करते, लाइबिलिटी किसको पे करते, आउटसाइडर, और कैपिटल किसको देना रहता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस किसको बिलोंग करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस किसको बिलोंग करते हैं, ओनर, ओनर।
ठीक है। सो राजा बेटा जी एक बात कर लेते हैं, असेट को कौन सा बैलेंस, असेट बढ़ा कम हुआ, लाइबिलिटी बढ़ा कम हुआ, कैपिटल बढ़ा कम हुआ, बेस्ट है। तो आपको अभी पता चल गया कि अकाउंट्स में कितनी चीजें होती है, पांच। अब आज हम ये सोचेंगे और समझेंगे कि इन चीजों को बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाया जाता है। तो एक तो आपने सीखा था कि भाई 11 12th में बीकॉम में प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स में फाउंडेशन में कि किस तरीके से करते हैं, एग्रीड। रसगुल्ले बच्चों, आज हम उस चीज को सिर्फ ब्रीफली देखेंगे जो मैंने आपको कहा देख के आने का और आगे बढ़ेंगे, इज दैट ओके। बट बिफोर वी गो अहेड थोड़ा सा एक टेस्ट ले लेते हैं। सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, स्टॉक क्या है, पीपी क्या है, प्रोविजन फॉर वारंटी क्या है। वाह 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 वाह, क्या बात है। प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी और प्रोविजन फॉर वारंटी इज व्हाट, लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ लाइबिलिटी, नो नो अभी एक्सपेंस मत बोलो, इज इट अ लाइबिलिटी, नो इट इज अ पार्ट ऑफ एक्चुअली असेट। मैं सही बोल रहा है, मुझे पता है तुमको मालूम नहीं, बट तुमको मानना पड़ेगा मेरी बात। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज व्हाट, एसेट, इट इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। ओके लेट्स गो एट, डेटर्स क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है, असेट, असेट क्या बोलेंगे, असेट, उसमें नेगेटिव आइटम होता है। मतलब जो भी प्रोविजन क्रिएट हो असेट पर वो असेट का स्वरूप ले लेता है। जो भी प्रोविजन किस पर क्रिएट हो, असेट पर, वो किसका स्वरूप ले लेता है, असेट का। स्टॉक असेट है, स्टॉक रिजर्व किस पर क्रिएट होता है, स्टॉक रिजर्व का स्वरूप क्या होगा, असेट। इसलिए अगर आपको याद होगा तो हम स्टॉक रिजर्व कंसाइनमेंट अकाउंट में उल्टे साइड में लिखते थे। अभी छोड़ो, अभी कंसाइनमेंट नहीं है आगे, बट मालूम तो रहना ना, है ना, आगे बढ़ रहे तो पता रहना चाहिए। गुडनेस, मेरे को वापिस एक बार, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस पर, डेप्रिसिएशन किस पर लगता है, असेट को कौन सा बैलेंस, असेट पर क्रिएट होने वाला प्रोविजन विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस बट इट इज अ पार्ट ऑफ असेट ओनली। हाँ अच्छा, तुमको भरोसा नहीं है, फाउंडेशन की बुक खोल के बताऊं, तुम्हारे था बेसिक टॉपिक में ये लिखेला था, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में चीजें लिखी हुई है। मैं कहीं को झूठ बोलूं, मेरे को क्या मजा आ रहा है। डेटर्स और उसके ऊपर होने वाला कोई भी प्रोविजन, राइट, स्टॉक, स्टॉक पर होने वाला कोई भी प्रोविजन, पक्का। एक गुगली डालू क्या, मतलब ये फालतू बोल रहा है, मैं जबरदस्ती बोल रहा है, मेरे को भी मालूम है ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी जबरदस्ती एक गुगली डाल देता। क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। मतलब जिस चीज पर प्रोविजन बने वो उसी का स्वरूप ले लेता है, और जो आउटसाइडर को पेएबल है वो लाइबिलिटी बनता है। तो प्रोविजन फॉर वारंटी इज अ लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फंड, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इज व्हाट, लाइबिलिटी। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट नाउ, इज दैट ओके बॉयज एंड गर्ल्स। तब हम आगे बढ़े और मैंने कुछ स्पेशल स्पेशल एंट्रीज बताई आपको। मुझे याद नहीं आ रहा है प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस टू, अच्छा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या है, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री क्या है, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और अक्रूड इनकम, इनकम रिसीवेबल, अक्रूड इनकम टू इनकम, इज दैट ओके। बाबू तू नहीं बोलेगा क्या, कहे छेड़े छेड़े मोहे। अच्छा अभी आपको मैं बताऊं, हाँ बेटा हाँ तो बोलना आगे, मैं सुन रहा हूँ। तो मुझे एक बात बता कि जेब में कैश है क्या, कौन सा बैलेंस है उसको, तो फिर जब देता है तब क्या करता है, बस वही करेंगे इसमें भी, क्यों नहीं हो सकता है। असेट को डेबिट है तो क्या क्रेडिट क्यों नहीं हो सकता है बे। हाँ तो डाला हूँ तो क्रेडिट में डालूंगा ना, तो कैश में भी क्रेडिट करता है ना, हाँ तो फिर मैं असेट में भी कर सकता हूँ, कौन कौन रोकता है देखता हूँ। हाँ हाँ कम करेंगे ना, कैरिंग अमाउंट अगर निकालनी है, बुक वैल्यू निकालनी तो, अरे रिलैक्स रह रहे करते भाई, ठीक है। तुमने किसी ने भी ये क्वेरी सुननी नहीं है, बहुत वाहियात थी,
रिलैक्स ओके। नहीं कुछ बच्चे बोलते ऑनलाइन हमें भी सुननी है, नहीं सुनना है अभी, खाली पकड़ो और नया कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। भाई मेरी बात सुन, ठीक है अभी तू ज़्यादा सीरियस एक्साइटेड पढ़ाई के लिए तो आ रहा है, बट हो सकता है यार ऐसा डेबिट बैलेंस है, ये बराबर बता रहा हूँ मैं, बट वो क्रेडिट हो सकता है। देखो शब्द बैलेंस और क्रेडिट होना दो अलग अलग शब्द है, तो मैं आगे चलते चलते आपको समझा दूंगा, डोंट वरी, इट्स वेरी इजी टू हैंडल इट। शेट, एंटिटीज कितने टाइप के? चार। कौन से चार मुझे बताओ तो, नहीं कौन से चार एंटिटीज कितने टाइप के? नलायको नीचे वाले बोलो तुम भी, तीन। पहला वाला, दूसरा वाला ट्रेडिंग जो खरीदना बेचना करते, और तीसरा वाला क्या बात बोला रे तू। अब मुझे एक बात बता, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर कितने टाइप के आइटम्स होते हैं, कितने टाइप की इन्वेंटरी? तीन। पहला वाला रॉ मटेरियल, फिर कितने प्यारे बच्चे हो, फिनिश गुड्स। बेटा जी रॉ मटेरियल WIP से फिनिश गुड्स बनता है, बट इफ आई आस्क यू व्हाट अबाउट ट्रेडिंग एंटिटीज कितने टाइप के होते हैं? एक स्टॉक इन ट्रेड, पक्का? रसगुल्ले बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, रॉ मटेरियल का हम क्या कैलकुलेट करते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग, ओके। दूसरा मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट अबाउट ये मैं पूछता हूं, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड का हम क्या लेते हैं? परचेसेस। स्टॉक इन ट्रेड का क्या लेते हैं? परचेसेस। मैं आपको थर्ड चीज पूछता हूं, बाकी के सारे आइटम का हम क्या लेते हैं? चेंजेस इन इन्वेंट्री, क्या लेते हैं जल्दी से बताओ? चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या बेटा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, मतलब ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस कर देंगे हम इफेक्ट लिख देंगे। कल एक गुड़िया ने बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा, मैं जा रहा था तब, उस गुड़िया ने मुझे पूछा कि सर आपने यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट हर एक का बनाया बट आपने सेल्स क्यों नहीं लिखा? अरे मैं सिर्फ स्टॉक बता रहा था, तो वैसे तो वेजेस भी आएंगे, वैसे तो बाकी की चीजें भी आएगी, अबे मैं सिर्फ एक आइटम के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो सेल्स सेल्स का कोई संबंध नहीं है। तो क्या यहां तक हम साथ साथ है? आर वी ऑलरेडी ओके। स्वरूप जाधव, गॉड ब्लेस यू, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सिमरन सेठिया उधर से क्या बोलते, सर चार कैसे है एंटिटी? अरे ये तो मैं पूछ रहा था, कमीने चार में रेडी हो गए थे, चार में रेडी, नॉट करेक्ट, चले भी आगे। ए रसगुल्लो, आज का दिन बड़ा विशेष है, अच्छा है, आज हम कुछ चीजें और सीखेंगे, ओके, एंड वी विल बी डूइंग इट इन अ लिटिल लॉजिकल मैनर। सो मुझे एक बात बताओ, आपसे कुछ चीजें पूछ लूं पहले, सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज, आई एम नॉट गोइंग टू राइट क्योंकि इट इज वेरी बेसिक्स, एंड इफ यू हैव नॉट डन इट दैट्स योर प्रॉब्लम, वो उतना देख के आने को ना। तो मैं पूछूं सैलरी कहां जाएगा, तो तुमने बोलना पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। मैं बोलूंगा कमीशन रिसीव्ड, तो तुमने बोलने का पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड। मैं पूछूंगा डिस्काउंट अलाउड कहां जाएगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। अभी ऐसा बोल पाओगे? मैं पूछूंगा डेटर्स कहां जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। मैं बोलूंगा क्रेडिटर्स, मैं बोलूंगा कैपिटल, मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, गुगली आ रही है गुगली, मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक, कुछ कुछ कुछ, जिन्होंने ट्रेडिंग का क्रेडिट बोला फटका, नो इट इज एन असेट, एक्चुअली एंट्री होती है स्टॉक टू ट्रेडिंग, इसीलिए स्टॉक जाता है असेट साइड में और ट्रेडिंग को क्रेडिट होता है। तो कभी भी किसी भी असेट का नाम लू मैं आगे से तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, आपने तो बोला था, से यस और नो। अभी अगला वाला सुन लेते हैं, मुझे एक बात बताओ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी साइड, अक्रूड इनकम बैलेंस शीट असेट साइड। जल्दी से मुझे एक बात बताओ, गुगली आ रही है, कॉल्स इन एडवांस, और एक गुगली आई, कॉल्स इन अरियर्स। जहर वाली खीर खाली मैंने, जल्दी से बताओ कहां जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स। सब्सक्राइब कैपिटल में से क्या करोगे, लेस। वापस बताओ कॉल्स इन अरियर्स कहां जाएगा, बेस्ट है। चलो पीपी इजी वाला, बैलेंस शीट मैं आपसे पूछ रहा हूं कहां जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अरे दिल जीत लिया, अरे खरीद लिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तुमको पता चल गया वो क्या है, असेट है, तो असेट साइड में जाएगा ना। हाँ अच्छा मुझे बताओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, असेट साइड, कैसे पता चला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन असेट, सो असेट साइड में जाने को ना, से यस और नो।
अच्छा डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर लाइबिलिटी भी हो सकता है क्या? डिबेंचर लाइबिलिटी होगा तो कहां जाएगा? लाइबिलिटी साइड। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं बोरोइंग लोन्स एंड एडवांसेस असेट साइड, बिकॉज हम जब लोन देते हैं तो वो असेट है और जब हम लोन लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बोरोइंग। ओवरड्राफ्ट और बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, गूगली डालू ना को ना को, इतना जल्दी ना को, बहुत ज्यादा हो जाए। डाल दू, देखते हैं। बीकॉम वाले बच्चों को एक क्वेश्चन, फाउंडेशन वालों का नहीं है, बीकॉम वाले, ठीक है? नटखट कितने हैं बीकॉम वाले, दिखाओ तो एक बार थोड़ा। वाह वाह वाह, तुम्हारे पर आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या बात है यार, दिल जीत लिया, खरीद लिया, खत्म। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी गारंटीज गिवन इज नोट्स टू अकाउंट्स, इट डज नॉट गो इनटू बैलेंस शीट, इट डज नॉट गो इनटू पीएनएल अकाउंट, इट डज नॉट गो इनटू कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट गोज इन नोट्स टू अकाउंट्स, उसका डिस्क्लोजर होता है। यस यस शेमडी, वेरी बैड, हो गया। इधर से कुछ है क्या? शीज इसको है बाहर। सो वंस वी हैव डन, सो once we have done so far, shall we now proceed ahead and understand few more concepts? ठीक है। रसगुल्ले बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कंपनीज की बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। मैं अभी भी टॉपिक को शुरुआत नहीं कर रहा हूं, बट मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और वो क्यों इंट्रोड्यूस करना मैं बताता हूं। देखो बेटा, मैं AS पहले नहीं पढ़ाऊंगा आपको, इस टॉपिक को करने के बाद में AS करना लॉजिकल है। क्यों? जब तक आपको यही नहीं पता है कि किस तरीके से बैलेंस शीट बनती है कंपनी की और हम कौन से आइटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो AS क्या पढ़ाऊं? जैसे मैं जब पढ़ाऊंगा आपको डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, तो वो कहां जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा। तो नोट्स टू अकाउंट्स जब मैं रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स दूंगा तो आपको पता चलना चाहिए ना कि नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा। सिमिलरली जब मैं बात करूंगा PPE, राइट, PPE की बात करूंगा, तो AS 10 जब हम पढ़ेंगे PPE, तो हमें पता चलना चाहिए ना कि बैलेंस शीट के कौन से आइटम के बारे में चर्चा हो रही है। तो इस वजह से हम पहले हमेशा कंपनी फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट्स को और कंपनी फाइनल अकाउंट के कुछ प्रॉब्लम्स को समझेंगे कि कैसे बनता है, और एक बार वो हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई उसके बाद में AS को उठाकर हम चेक करेंगे, अच्छा इसके अंदर ये चीजें देखनी है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, सेल की एंट्री करो, सीधा बैठ सीधा बैठ सीधा बैठ, हाँ, कैश टू सेल, और अगर उधार है तो तुम सेल की एंट्री नहीं बोल सकते, सेल की एंट्री, अच्छा कैश टू सेल बराबर है, उधार में बेचा तो पक्का सभी को मालूम है। अब तुम चेंज हो जाओगे इंटरमीडिएट में, तुम बोलोगे कि नहीं सर मैं एंट्री नहीं करूंगा। तुम बोलोगे क्यों? तुम बोलेंगे सर पहले बताओ AS 9 सेटिस्फाइड है क्या रेवेन्यू दिखाने के पहले, क्या प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर्ड है क्या नहीं है, राइट, क्या सर जी इसके अंदर रिकवरेबिलिटी के बारे में कोई कंफ्यूजन तो है कि नहीं है, क्योंकि अब आप भाषा बोलने लग जाओगे AS 9 की। छोटे छोटे बच्चे थे, सुंदर सुंदर टीचर बोला करती थी बेटा मारो सेल्स की एंट्री, तुम मार देते थे डेटर्स टू सेल्स, अब ना कर पाओगे। अब तुम पूछोगे सर नहीं सेल एक रेवेन्यू है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स यूज करेंगे, यूजर्स याद है, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, डेटर, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, याद आ रहा है क्या? ये सब लोग यूजर्स है और इन यूजर्स को जो भी डेटा देना है वो ट्रू एंड फेयर देना पड़ेगा। अब ट्रू एंड फेयर डेटा देना है, तो सेल्स अगर सही मायने में नहीं हुआ, AS 9 को सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम रेवेन्यू नहीं लिखेंगे। हाँ हम रेवेन्यू नहीं लिखेंगे। राजा बेटा जी अब आप चेंज हो जाओगे तो सेल करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा AS 9 में सुनो बेटा सेल कब रिकॉग्नाइज हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछो आपसे, कभी आपने ये देखा है एडवर्टीजमेंट कंपनीज, IPL देखते हो? क्या देखा है उसमें? चीयर गर्ल्स, गुड। एडवर्टीजमेंट आती है क्या बीच बीच में? जियो धन धना धन आता है ना, तो वो लोग रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं एडवर्टीजमेंट कंपनी? जब पैसा मिलता है तब नहीं, जब सेल हुआ तब भी नहीं, व्हेन द एडवर्टीजमेंट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। थोड़ा सा बात कर लो वापिस इस पर। जैसे देखो मैं IPL की फाइनल मैच है, उसके अंदर मेरे को एक स्लॉट बुकिंग करना है, तो मुझे पहले एडवांस में करना पड़ेगा। इंडिया पाकिस्तान की मैच है, उसके अंदर स्लॉट बुक करना है, तो तुमको क्या लगता है कब बुक करना पड़ेगा? लास्ट मोमेंट पर? नहीं, पहले करना पड़ेगा। मैं पैसा कब दूंगा? पहले।
वो बिलिंग कब करेंगे मेरे को, उसी समय कर कर दे देंगे, बट वो रेवेन्यू तब तक रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि AS9 बीच में आड़े आ जाता है। और AS9 कहता है कि जब तक एडवर्टीजमेंट पब्लिक के सामने नहीं आ जाता आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। क्यों? पैसा तो जरूर मिला एडवांस में, बट अगर मान लो मैच ही नहीं हुई तो पैसा रखेंगे कि देना पड़ेगा? इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज रेवेन्यू। सो राजा बेटा जी, मेरे कॉन्सेप्ट्स के तहत मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि पहले आपको बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स, इन सभी फॉर्मेट से अवगत कराऊंगा। फॉर्मेट से अवगत होने के बाद में हम स्लो एंड स्टडीली विल गो इनटू द एस एंड विल अंडरस्टैंड, अच्छा हम इस आइटम के बारे में बात कर रहे हैं। कॉपी दैट? सो शैल वी प्रोसीड? अच्छा मैं मस्ती मस्ती में पढ़ाऊंगा धीरे धीरे आराम आराम से, कि एक 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 चीजें बताते जाऊंगा। और कंपनी फाइनल अकाउंट आज तो हम शुरू कर भी नहीं रहे, ऐसे कुछ रिलेटेड रिलेटेड आइटम बात करेंगे। यस बड़ी, किसका क्या गया था और क्या आया ये बताएगा क्या? क्या बोल रहे है भाई, गुड्स की बात होती है बेटा, गुड्स कहाँ गया और क्या आया बता मुझे। अरे सुनना यार, मैं जो एग्जांपल्स अभी दे रहा हूँ उसके ना बाल की खाल मत निकालो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई डेटा नहीं है उसके बारे में। AS9 पता है नहीं, रुकना थोड़ा शांति पर। मैं सिर्फ क्या बता रहा था इधर कि हम क्यों ऐसा पढ़ रहे, बस उतना ही, उसके आगे मत दिमाग लगा उसमें। चले बेटा, सो सुनिए बेटा जी, हम आज पढ़ रहे Schedule 3। मैं इसके डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा। Schedule 3 के दो पार्ट है, इनफैक्ट Schedule 3 भी दो है, 1 और 2। लिस्टेड कंपनीज के लिए अलग है, नॉन लिस्टेड कंपनीज के लिए अलग है। एक शॉर्ट मोटा मोटी आपको एक बात बता रहा हूं, इज दैट ओके? अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर, मैं Schedule 3 के कितने पार्ट बता रहा हूं, दो पार्ट, Part 1 + Part 2, राइट? Part 1 में होती है बैलेंस शीट, Part 2 में होती है P&L अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट। से यस? रसगुल्ले बच्चों, मैं आपको बताता हूं, इसके अलावा आपको AS को भी फॉलो करना पड़ता है। इसको बोलते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इतना ही नहीं, AS नहीं, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो तो आपको IRDA गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप बैंक हो तो आपको RBI गाइडलाइन भी फॉलो करनी पड़ेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप म्यूचुअल फंड हो तो आपको और एक गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। इन सभी चीजों को मिलाकर हम बोलते हैं गैप, जो अकाउंटिंग करते हो हमें यूज करना पड़ता है। इज दैट ओके? सो पहला रूल समझकर चलिएगा साहेब, कि यहां पर नॉन डिस्क्लोजर्स की पेनल्टी लगती है। पेनल्टी कैसे? उदाहरण, मसलन आपको एक एग्जांपल देता हूं, इनकम टैक्स के रिटर्न में आपका टैक्स नहीं बन रहा है, बट अगर आपकी फॉरेन में असेट है, डिड यू कॉपी दैट? मैं ये कह रहा हूं कि आपका टैक्स नहीं बन रहा, जीरो है, बट अगर आपकी फॉरेन असेट है या अगर आपके पास कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है और आपने उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया, आपके पास फॉरेन के हिसाब है अगर आपने उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो राजा बेटा जी आपको हर साल 1,00,000 रुपए की पेनल्टी है फॉर नॉन डिस्क्लोजर। CA नाउ पॉइंट फॉरवर्ड इज एवरीथिंग अबाउट डिस्क्लोजर्स, नॉट अबाउट टैली। सो हियर द एग्जामिनर इज गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स फॉर योर प्रेजेंटेशंस फॉर नॉन डिस्क्लोजर्स। ओके, तो अभी आपका टैली टैली वाला कॉन्सेप्ट गया, टैली टैली तो कर लेंगे अभी तुम, तो मार्क्स कहां कटने वाले अगर आपने डिस्क्लोजर सही से नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है डिस्क्लोजर आप कब अच्छे से दे पाओगे? जब आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ोगे, और वो क्या है? फॉर्मेट। तो फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यस, सो हम Schedule 3 में बता रहे कितने पार्ट है, Part 1 and Part 2। वेरी गुड। और इसके अलावा भी हमको और कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है। यस अगर मान लो आप फॉरेन करेंसी में भी डील करते हो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगर मान लो आप ट्रस्ट हो तो आपको ट्रस्ट के रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। से यस और नो? गुड। Schedule 3 के कितने पार्ट? पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। अच्छा, बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे अब के आगे दो इस तरीके से बनती है। अभी हम फेयर में देख रहे हैं कि रफ में देख रहे हैं? रफ में ऐसा कुछ बनता है बैलेंस शीट। सर पहले टी शेप की बनती थी, भूल जाओ, झूठ बोली थी सुंदर टीचर। अब बैलेंस शीट कैसे बनती है? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, और यह है करंट ईयर, और यह है प्रीवियस ईयर। क्या समझे पांडे जी?
करंट ईयर का डेटा पहले दिखाओगे, प्रीवियस ईयर का डेटा बाद में, इज दैट ओके? तो जब कभी भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ कभी, राइट, तो ध्यान में रखना करंट ईयर पहले आता है और प्रीवियस ईयर उसके बाजू में आता है। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डेटा इसलिए दिया जाता है सो दैट यू कैन कंपेयर कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो, इज दैट ओके? अभी के लिए जो मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, मैं आपको फॉर्मेट सिखा रहा हूं कि अभी सिर्फ हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सो क्या मैं इसके अंदर थोड़ी सी ये लीनियंसी ले सकता हूं? तो मैं ऐसे सारे आइटम्स आपको पढ़ा रहा हूं, इल्ले मैं सारे आइटम्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ आइटम्स पढ़ा रहा हूं और मेरा मकसद क्या है उन कुछ आइटम्स को साइड में निकालकर उसको डिस्कस कर लो, क्योंकि मैंने बताया था लेवल डिफरेंस है, तो कुछ आइटम्स को मैं साइड में निकालकर डिस्कस करना चाहता हूं। उनका डिस्कशन करने के बाद में मैं आपको लेके जाऊंगा मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखो एक साथ सारी चीजों को एक साथ पढ़ेंगे तो बैंड बजेगी, धीरे धीरे एक एक आइटम को पढ़ते जाएंगे तो चलेगा। तो अभी तो हम कंपनी फाइनल अकाउंट में घुसे भी नहीं है, जस्ट ऐसे ही सुन रहे। सुन सकते? सांस लो। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ओके? अब जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बोला इसको करेंगे अंडरलाइन, ये फर्स्ट हेडिंग बनती है। इक्विटी माने कैपिटल, लाइबिलिटीज मतलब विच इज टू बी पेएबल टू द आउटसाइडर। इक्विटी में फर्स्ट आइटम आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड को अंडरलाइन करके हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, और दूसरा आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। चुप जूते, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा, मैंने बताया टेक अ लीनियंसी। सर इसका नंबरिंग कैसे होगा, इसका नंबरिंग कैसे होगा? तो ये आता है रोमन वन, ठीक है, और फिर उसके बाद में आता है ये वन, और फिर उसके बाद में आता है ए बी। ये मैं डिजाइन करके लाया कि स्केड्यूल में है, कंपनीज एक्ट के स्केड्यूल में है, हैप्पी? सो इसके साथ आपकी मोटा मोटी शेयर होल्डर्स फंड खत्म, ओनर का पैसा खत्म। अब आपको और एक बात बता दूं, इसके अंदर और एक आइटम है मेरे को मालूम है, मनी रिसीव्ड अगेन शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, मुझे मालूम है ये रहता है बोलकर, तो तुम मेरा जान नहीं खाने का, मैं आगे बताएगा, ठीक है? दूसरे इसमें जाएंगे, क्या बोलेंगे? नहीं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिख देना, दूसरा वाला डायरेक्टली सिर्फ लाइबिलिटीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? लाइबिलिटी, चल झूठी, लाइबिलिटीज लिखेंगे, एग्रीड? लाइबिलिटीज के अंदर राजा बेटा जी दो प्रकार होते हैं, एक होता है नॉन करंट और एक होता है करंट। सो राजा बेटा जी दिखाते वक्त कुछ हम इस तरीके से दिखाएंगे उसको डायरेक्टली, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। बेटा नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होता है? जिसका पेमेंट एक साल के बाद में हो। नॉन करंट लाइबिलिटीज को हम कैसे दिखाएंगे? जिसका पेमेंट एक साल के बाद में हो, जिसका टेन्योर एक साल के बाद में, तो उसको नॉन करंट बोलते हैं। नॉन करंट का डेफिनेशन हालांकि हमको पढ़ना बाकी है, करंट लाइबिलिटी का भी डेफिनेशन पढ़ना बाकी है, ठीक है? तो जब जब जरूरत होगी तब मैं इसके पास जाऊंगा, अभी सिर्फ फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हो रहा है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में बेटा जी ए बी सी डी, इसके कितने बच्चे? चार, चार बच्चे। चार बच्चों के नाम बताऊं, पहला वाला है लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर दूसरा वाला है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है? फिर आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और फिर आएगा अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। हैप्पी? समझे क्या? कितने आइटम है शेयर होल्डर्स फंड में? दो बताया मैं, पहला कौन सा है? शेयर कैपिटल। फिर कौन सा बताया? रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर क्या बनता है? नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी के कितने बच्चे? चार। पहला वाला लॉन्ग टर्म बोरिंग, दूसरा वाला डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, फिर अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। समझ गया? गुड। ये तू हुआ, फिर ती करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के भी चार बच्चे, सुन तो ले, ए बी सी डी, जरा ध्यान से सुनना, जो ऊपर लॉन्ग टर्म है नीचे शॉर्ट टर्म बन जाएगा, सिर्फ एक आइटम डीटीएल अपना स्वरूप चेंज कर लेगा। जो ऊपर लॉन्ग टर्म है वो क्या बन जाएंगे? शॉर्ट टर्म। जैसे मैं पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग, उसको क्या बोल दूंगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग। डीटीएल डीटीएल नहीं रहता, डीटीएल को बोलेंगे ट्रेड पेबल।
डिटेल डिटेल नहीं रहता है, उसको क्या बोलेंगे नीचे, ट्रेड पेपर। फिर जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है वो क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जो अदर नॉन करंट लाइबिलिटी वो क्या बन जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटी। सो लिख दूं, पहला वाला क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग, फिर ट्रेड पेबल, बोलो हां, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिर अदर करंट लाइबिलिटी। सुनो ना, इसके बाद में ये दोनों ही इस तरह से टैली होंगे। ध्यान रखना, आप बैलेंस शीट में डायरेक्टली कोई भी चीज नहीं लिख पाएंगे, आपको इसको क्रॉस रेफरेंस करना पड़ता है। शेड्यूल थ्री क्या बोलता है, यू हैव टू क्रॉस रेफरेंस। सो क्रॉस रेफरेंस मतलब जब हम शेयर कैपिटल लिखेंगे तो इधर नोट लिखेंगे वन, और ये वन के क्या बनाएंगे, नोट। इट जस्ट लाइक वर्किंग नोट। सो आप नोट बना के उसके अंदर डिस्क्लोजर्स देंगे। तो अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम उसके जो भी कोई चीज होती है उसकी नोट्स बनती चली जाती है। यस और नो? सो राजा बेटा जी, लाइबिलिटी साइड को पहले याद करने का जिम्मा है। कैसे याद करते, तो डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स ने हमको कैसे रूल किया, डिवाइड एंड रूल। हम भी हमारे इसको कैसे रूल करेंगे, डिवाइड एंड रूल। आपको क्या लगता है, ये याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नहीं है, पूरा याद होना चाहिए। कहाँ पे याद होना चाहिए, क्लास में। और अपने यहाँ पर एक गेम चलता है, मैंने सॉरी डे वन को नहीं बताया, अभी भी है क्या कुछ डेमो वाले? कुछ कुछ चीज़ें मैं आगे बताता हूँ, एक बार पहले एडमिशन ले ले फिर है कोई डेमो वाला रहेगा तो भी हाथ थोड़ी ना ऊपर करेगा है वैसे, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्या होने वाला है। यहाँ पर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इधर यू आस्क मी क्वेश्चन और आई आस्क यू द क्वेश्चन, तीसरा तरीका नहीं है। या तो तुम्हें समझा या नहीं समझा, नहीं समझा तो मैं है, समझा मैं पूछेगा। तो फिर अपने यहां पर एक थोड़ा सा घमंड है मुझको, तो मैं क्या करता हूं, एक बॉल पास ऑन होता है अपने यहां पर, नीचे भी पास ऑन होता है, और फिर गाना बजता है। गाने में तुम एंजॉय भी कर लो तब, और बॉल भी पास होता है। जहां गाना रुका, उस बच्चे के पास जिसके पास बॉल है वो उस क्वेश्चन का क्या देगा, आंसर। फेयर इनफ? ये गेम चलेगा अपने क्लास में, रेगुलरली चलता है, मस्ती मस्ती में खेलना तुम भी। तुमको पिछले बैच में बता नहीं सकता, कोई बैठी थी बाजू में, उसको बॉल नहीं मिलना चाहिए इधर से उधर, ऐसे ऐसे भी कमीने हैं इस क्लास में, ये बेंच का नशा है भाई, इधर अलग ही चलता है। पूछू धीरे धीरे, हाँ एकदम से कैसे पूछू पूछू, मेरे को याद ही नहीं आ रहा। बैलेंस शीट में पहला फॉर्मेट पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पहले इतना सा फॉर्मेट हो। कितने प्यारे बच्चे, इतना तो आ जाएगा ना गधेड़े, कम से कम इतना तो करके आ जाना एग्जाम में। हाँ, फिर शेयर होल्डर, नहीं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस। बोले तो अपन ऐसा डिजाइन कर बोलेंगे कि शेयर होल्डर्स फंड कितने होते हैं, दो, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैं तो अभी भी नाचता है, तुमको नाचना है तो नाचो, नहीं तो भाड़ में जाओ। कितने हैं भाई, दो, शेयर होल्डर्स फंड के दो है ना, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सर। दूसरी बात करता हूं, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी दूर की नजर, मतलब एक साल बाद, एक साल बाद, हाँ या ना? नॉन करंट लाइबिलिटी के कितने बच्चे, चार, पहले दो थे फिर चार होंगे ना यार, पहले कितने थे, दो, दो के बने चार, वो कैसे बनते तुमको पता है। सो नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, उसमें पहला होता है बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, फिर टर्म प्रोविजन, फिर अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, लास्ट वाला अदर है एक्स्ट्रा अदर। पहला वाला लॉन्ग टर्म बोरिंग, लोन लिया, फिर दूसरा वाला क्या है बेटा जी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी DTL, और फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। जो ऊपर चार है वही नीचे भी चार है, बट जो DTL है वो बन गया ट्रेड पेबल, और जो लॉन्ग टर्म है वो बन गया शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म माने जिसका पेमेंट होना चाहिए विद इन वन ईयर। बस बेस्ट है। तो अभी मेरे रसगुल्ले बच्चों, क्या हम इसको यहां तक लिख पाएंगे? बनाओ अपनी नोटबुक, ओपन करो, लिखो। नीचे के रसगुल्ले पहले ही लिखना चालू कर देते गधेड़े गावटी गाय छाप, और अभी बैठकर देखेंगे। पहली बेंच पर बैठी हुई गुड़िया
कितनी प्यारी है, कितनी सिंसियर है डे वन को, चश्मा लगाकर बैठी है लाल कलर की, जैकेट लगाकर बैठी है, बेस्ट है बेटा। प्लीज एक्सप्लेन डिटेल, अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा। तू शायर है मैं तेरी शायरी, इधर सिर्फ एक काम कर दो, प्रोविजन को नीचे डालो, नहीं एक सेकंड ये लिखने के पहले, ऊपर नीचे कर नहीं सकते बट अभी जब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो क्यों करें ना, लॉजिकल। अदर नॉन करंट लाइबिलिटी और फिर नीचे क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। हाँ हाँ, बनाओ बैलेंस शीट, क्या गुड़िया क्यों नाराज हो रही है, मत झगड़ उससे बेचारी से, भूली है वो। अर्निट को मैं बताऊं कि सीएस के बच्चे मेरी क्लास ना करें, क्योंकि आपको एमसीक्यू पैटर्न है और मेरा थ्योरी पैटर्न है, माने हमें लिखना होता है पेपर, तो इट वुड बी मोर बेटर दैट यू डोंट डू माय क्लासेस। हाँ सीएस का पेपर एमसीक्यू है, अकाउंट्स तो एमसीक्यू, सारा का पता नहीं, अकाउंट्स तो एमसीक्यू है। नहीं मालूम बेटा सीएस की क्यों बात करें, किसी ने क्वेरी पूछा उसका आंसर करो, तू मेरी परीक्षा क्यों ले रही है यार, इधर मैं सीएस का प्रिपरेशन नहीं करके आया हूँ, मुझे अकाउंट्स का मालूम है सिर्फ। वाह स्क्रॉल करूं ऊपर यार, मैं शुरुआत में थोड़ा धीरे रहूंगा यार, बच्चों को एडजस्ट नहीं हो रहा, किसी का हाथ इधर लग रहा है किसी का उधर लग रहा है, पहले तो उसकी चिड़चिड़े, उनको कष्ट ही कष्ट है सुबह से लेकर शाम तक। रिटर्न है तो इट विल बी हेल्पफुल, रिटर्न है तो बेफिक्र रहे फिर हो जाएगा सब कुछ। हाँ डार्लिंग कौन कहां से बोला, क्या हुआ, हाँ हाँ क्यों किया, क्योंकि फॉर्मेट में ऐसा है बेटा, वो मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया। शैल आई स्क्रोल फर्दर, क्या हो बेटू, सर सुंदर टीचर तो आप ही थे,
तेरी आंखें आ गई है भाई, डॉक्टर को दिखा, मैं सुंदर लग रहा हूं तुझे। हाँ भाई नीचे क्या प्रॉब्लम बोलो, ग्रीन कलर बोल, सब बढ़िया? वो ग्रीन कलर वाला डर गया, पर कोई ग्रीन नहीं, मैं अकेला ही हूं। कैमरा सब देखता है रे, इधर कुछ करना मत है ना, सब दिख जाता है मेरे को। लिख लिया बच्चों? चलो कितने बच्चे अभी भी लिख रहे हैं, लिखो 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 लिखो। डिबेंचर इश्यूड कहां लिखते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, बट अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं, तो रुकना अभी, हम फॉर्मेट देख रहे हैं। हो गया, कितना है स्कोर, कितना है? ठीक, अरे नहीं वो कुछ अलग ही उसने, तेरी अबे गाली निकल जाती है अभी यार, एड़े यार, कभी कभी गलती से कुछ निकल जाए तो प्लीज गलत मत लेना। मैं हॉस्टल में रहा, मैं बहुत तुम्हारे जैसा ही था, बहुत अच्छा आदमी था मैं, सही में कसम से, बट फिर हमारी रैगिंग के वक्त हमसे ये काम कराया गया। प्लीज यार, मतलब तुम समझो ना, तुमने वो मूवी देखी छिछोरे? तो उसके अंदर नहीं क्या वो मम्मी था एक? नहीं मम्मी था ना एक, उसको सिखाने के लिए भेजते, वैसे मेरे पापा भी छोड़ के गए थे मेरे को, मैं पहले मम्मी था। चलो सुनते हो क्या, अभी हम बात करेंगे कौन सी असेट साइड की। लिखो हेडिंग असेट्स, तुम कौन हो? असेट्स हो तुम, गुड। असेट्स में बेटा जी दो प्रकार की असेट होती है, एक नॉन करंट और एक करंट। नॉन करंट के पांच बच्चे, नॉन करंट के पांच बच्चे, और करंट के कितने बच्चे? छह। जल्दी से बताओ नॉन करंट के कितने बच्चे? पांच, और करंट के छह। सो बेटा जी हम असेट्स लिखेंगे और ये लाइन ऐसे ही जाएगी, पहले मैं लिख दूं फिर आप लिखोगे। सो पहला लिखेगा मैं नॉन करंट असेट, इधर से वापिस वन शुरू हो जाता है और हम लिखेंगे नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स को अंडरलाइन कर हम लिखेंगे ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जल्दबाजी मत करो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओके। और उसके अंदर बेटा जी हम वापस लिखते हैं वन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर इसको स्किप कर सकते हैं? यस यू कैन डू इट। मतलब कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है, बट जनरली मैं इस तरीके से लिखूंगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखने के बाद में उसको मैं डिवाइड करूंगा चार हिस्सों में। कुछ लोग क्या करते हैं कि ए और वन इधर ही लिख देते हैं, बट मैं अभी शुरुआत से वो आदत नहीं करूंगा, धीरे धीरे हम करेंगे। सो इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, मैं अभी क्या कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं ए और ए के सब पॉइंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, समझ में आया क्या? दूसरा आएगा इनटेंजिबल असेट, तीसरा आएगा टेंज, ये मैं तुम्हारी बात क्यों माना, शी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अरे भाई साहब ये निब्बो निब्बी की बात नहीं सुननी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और फिर फोर्थ वाला आएगा इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। तुम्हें पता है मैंने ऐसे क्यों पढ़ा है आपको, मैं आपको बताऊं, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट भी लिख सकता था, बट मुझे यह बताना था कि नॉन करंट असेट के कितने बच्चे? चार। तुम इसको चार मत समझ लेना, ये चार आर द ब्रेकअप ऑफ पीपी। मतलब जो हमारी असेट है वो दो प्रकार की होती है, एक टेंजिबल होती है और एक इंटेंजिबल। सो टेंजिबल माने तुम देख सकते हो यहां पर जिस बेंचेस पर तुम बैठे हो वो टेंजिबल है, राइट? ये प्रोजेक्टर, ये क्या बोलते हैं उसको, कैमरा, ये इधर सिस्टम, दिस ऑल दिस क्लासरूम इज व्हाट टेंजिबल, दैट इज पीपी। बट देयर इज वन मोर, इट इज कॉल्ड एज इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल में मतलब एसपीसी का एसपीसी प्राइम, अरे नहीं गुडविल वगैरह बाद में देखेंगे, बट कॉमन सेंस सॉफ्टवेयर एसपीसी प्राइम इज एन ऐप विच बिलोंग्स टू व्हाट, एसपीसी। इट इज एन इंटेंजिबल असेट, और ये इंटेंजिबल असेट कंटिन्यूअसली वर्क इन प्रोग्रेस भी रहता है, कुछ मॉड्यूल उसके बन रहे होते तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। और एक होता है बेटा जी कुछ चीज का टेंजिबल असेट का निर्माण हो रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कितने लोग पुणे मेट्रो को देखे, कहीं कहीं पर बन रही है क्या? जब तक बन नहीं जाती उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। बन जाने के बाद में क्या बन जाती है, पीपीई। कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो
कोई इनटेंजिबल बना रहे हो तो जब वो बन रहा है तब क्या बोलेंगे, इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, और बन जाने के बाद में उसको क्या बोलेंगे, इनटेंजिबल असेट। यस और नो? राजा बेटा जी पीपी के बाद में बी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या बोला? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अलग अलग प्रकार के, आपका शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, आपका बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट, पीपी में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, माने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई लैंड खरीदी एज ए इन्वेस्टमेंट। तो फिर क्या आता है बेटा जी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सी बनता है डेफर्ड टैक्स असेट। बोलो क्या बनेगा? डेफर्ड टैक्स असेट। डी बनता है लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अभी क्यों लिखते हो बेटा, फिर मेरे को टाइम समझ में नहीं आता ना कितना टाइम देना। और ई बन जाता है राजा बेटा जी, ई मालूम है, ई हम बोलेंगे अदर नॉन करंट असेट। सांस लो। सो बेटा जी असेट साइड में दो पार्ट बनते हैं, पहला वाला कौन सा, नॉन करंट, और दूसरा वाला कौन सा बनता है, करंट। नॉन करंट में बेटा जी पहला है पीपीई, दूसरा वाला है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा वाला है डेफर्ड टैक्स असेट, चौथा वाला है लोन्स एंड एडवांसेस, और पांचवा वाला है अदर करंट, सॉरी अदर नॉन करंट असेट। जब मैं आपसे बात करूं पीपी, तो पीपी के कितने बच्चे, चार, टेंजिबल इनटेंजिबल, टेंजिबल को पीपीई बोलेंगे, और फिर इनटेंजिबल, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। सेस मैट्रिक बताता हूं आपको, ऐसे विजुअलाइज करना है, पहले आप क्या शुरू करोगे, धंधा, नहीं पहले आप क्या शुरू करोगे, धंधा, धंधे के लिए क्या लगता है, पैसा, एक थप्पड़ लगाऊंगा पीपी। अभी अपने को ये मैच करने का ना, कैश नीचे लिखेंगे, अभी इसको मैच कर, तुमको क्या चालू करने का, धंधा, धंधा करने के लिए क्या लगेगा, पीपी। पीपी चार टाइप के तुमको मालूम पड़ जाएगा, एग्रीड। फिर धंधे से थोड़ा सा पैसा कमाया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, फिर क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट, राइट। फिर थोड़ा और ज्यादा कमाया, फिर पूजा मैम आ जाती है, टैक्स, डेफर टैक्स असेट। टैक्स बहुत तकलीफ देता है, डीटी है, तुमने टैक्स भी दे दिया, अब और पैसा, अब कितना इन्वेस्ट करोगे, फिर यार दोस्तों को क्या दोगे, लोन, और उसके बाद में डायमंड की रिंग, पैर में डायमंड, राइट, सब चीजें, मोटी मोटी कारें, ये वो, अदर नॉन करंट असेट। स्टोरी याद कर लेते तुम्हारी, पहले धंधा करने का क्या चाहिए, पीपी, नॉन करंट पीपी, फिर थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा कमाएंगे तो क्या करते हैं उससे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के बाद में कौन आता है, पूजा मैम क्या मांगती है, टैक्स, उसके लिए याद आ गया, डेफर टैक्स असेट। फिर चौथे नंबर पर क्या, अभी तुम्हारे पास पैसा ही पैसा है, टैक्स भी भर दिया, अब क्या है, पैसा बांटेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस, और पांचवें नंबर पर क्या है, अदर नॉन करंट असेट। मेरे को याद करना पड़ता पहले, क्या है, पांच आइटम्स, पीपी, फिर मजा नहीं आया, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर टैक्स असेट, फिर लोन्स एंड एडवांसेस, फिर अदर नॉन करंट असेट्स। तुम्हें पता है ये जो पांच है इनमें से तीन नीचे जाते हैं, ये कौन था, गुड। सो ये जो पांच है इनमें से रसगुल्लो नीचे वाले तीन नीचे जाते हैं, तुमको पता होना चाहिए, पांच में से तीन नीचे जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या पीपी करंट हो सकती है, पीपी कर कैसे हो सकती है, कौन है येड़ा, ये बेंच एक साल नहीं, फिर तो वो पीपी कैसे हुई। सो पीपी करंट नहीं हो सकती, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म हो सकता है। कितने लोग ट्रेडर बैठे इधर, ट्रेडर, ट्रेडर समझते, स्टॉक मार्केट में भाषा यूज करते हैं ट्रेडर, नीचे कोई बैठा है ट्रेडर, वाह वाह, नीचे भी गुड़िया ट्रेडर बैठी, वाह गुड़िया ही है ना, हाँ। सो एक ट्रेडर बैठे, ट्रेडर माने क्या कि बेटा जी वो बाय सेल फटाफट करते, एक साल का उनका मार्जिन होता है, ज्यादा नहीं होता है। सो बेटा जी उस केस में हम उसको क्या बोलते थे, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो करंट इन्वेस्टमेंट बन सकता है। तो पहले आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, फिर आप मुझे बताओ धंधे में पहले क्या लगता है, माल, इन्वेंट्री, अरे उसको ही माल बोलते है, समझे, तुम धंधा करो तुमको भी मालूम पड़ेगा एक्चुअल माल क्या होता है, समझे। सो माल इज व्हाट, इन विच यू ट्रेड गुड्स। सो बेटा जी फिर आता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को आप माल बेचोगे उधार में, उससे बनता है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्या देता है, कैश, कैश एंड कैश इक्वल, मतलब बीच में तीन आइटम मैंने इंट्रोड्यूस किए जो ऊपर नहीं थे, तो ऊपर से कौन आया,
ऊपर से इन्वेंट्री है शी, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था वो नीचे क्या बनेगा? करंट इन्वेस्टमेंट। फिर आपको ध्यान में रखना ये स्टोरी साइकिल, पहले क्या होता है हमारे पास माल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री फिर बेचते उधार में, तो क्या बनता है? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल से आया पैसा, क्या मिलेगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम डायरेक्टली कैश में, मैं उंगली मत करे यार, डिटेल वाला रास्ता समझना, समझे? पैदा आएगा माल, माल बेचेंगे उधार में और उधार से आएगी कैश, सिंपल हो गया अपना याद करने के लिए। पहले आएगा इन्वेंट्री, फिर आएगा क्या? ट्रेड रिसीवेबल, और फिर क्या आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर लास्ट के दो आइटम जाके देखो ऊपर, लोन्स एंड एडवांस। वो जो ऊपर लॉन्ग टर्म था, क्या हम शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस दे सकते? यस, सो आई विल कॉल इट एज व्हाट? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। और जो ऊपर अदर नॉन करंट असेट था, वो नीचे जाके क्या बन जाएगा? अदर करंट असेट्स। से यस, रसगुल्ले। मैं अभी आपको लिख कर बताता है, तुमको याद भी हो जाएगा, और ये बिना याद के आगे जाने नहीं देता मैं। नॉन करंट के बाद में तू, करंट असेट्स। अंडरलाइन कर, पहला वाला ए करंट इन्वेस्टमेंट, बोलो हां। बी, बी क्या? इन्वेंट्री, ये बराबर बोली गुड़िया, इन्वेंट्रीज। फिर सी ट्रेड रिसीवेबल। फिर डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर बोरिंग्स, शी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, डी के बाद में ई, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और क्या आएगा? ई के बाद में एफ, अदर अदर करंट असेट्स। बेटा जी, जो फॉर्मेट मैंने अभी आपको बैलेंस शीट का बताया, 95% केस में इतना ही लगेगा, इंक्लूडिंग आई हैव गिवन यू अ वेरी लोअर साइड 95%, इंक्लूडिंग अगर आप बोलेंगे 99% में ही लगेगा तो भी चलता है, 1% में एक आध बार कोई जो स्पेशल आइटम से वो आएंगे। हमें जब भी फोकस करना होता है तो एबीसी एनालिसिस से करना होता है, कि कोई एक छोटी सी चीज होती है वो कहीं हमारी बैंड ना बजा दे, इसलिए हम पहले किस पर फोकस करेंगे? 99% जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, 80% जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर 20% को अलग से साइड में खोपचे में लेकर उसको डील करते हैं। दिस इज व्हाट माय एटीट्यूड इज, डिवाइड एंड रूल। सो अभी मैं जब तक तुमको फॉर्मेट याद नहीं होगा हाथ लगाने नहीं दूंगा इसको। तो ताई मराठी येते तुला? नाही येत। कुठल्या गावची तू? हा, अरे बैठ ना, किधर से आई? हा, मथुरा से आई है। ऐसा नहीं करना क्या चीटिंग चीटिंग? तुम देवी क्यों नहीं बन जाती? हम आएंगे फिर दर्शन लेने के लिए। अरे ऐसे नहीं बेटा, क्या होता है कि मेरी एक प्रॉब्लम होती है एज ए टीचर, आपने समझना, कि जब हम बात कर रहे हैं कि आप लिखोगे नहीं तो नहीं लिखना, क्योंकि क्या अड़चन होती है, तुम अभी बैठे रहोगे तो फिर मेरे को कन्फ्यूजन क्या होता है कि आपका लिखकर हो गया तो देन आई स्क्रोल इट अप, फिर बाकी के बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर आपने टाइम कम दिया, क्योंकि अब जैसे बाजू वाली ने नहीं लिखा, उसने नहीं लिखा, उसने नहीं लिखा, अब तू बैठी रहेगी तो वापस दोबारा तो लिखेगी नहीं गदड़ी, फिर मेरे को टाइम समझ में नहीं आता कितना देने का, राइट? सो अच्छे दिख रहे बाल, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। आई मीन आई जस्ट गेव अ कॉम्प्लीमेंट, ओके? सो द फर्स्ट थिंग, करंट असेट्स में क्या क्या आएगा बेटा जी? जो ऊपर के नॉन करंट है वो करंट में कन्वर्ट होता है इन्वेस्टमेंट पहले। सो इन्वेस्टमेंट से शुरू करने का, तो जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था वो क्या बन जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट। फिर क्या होता है आपका? इन्वेंट्री। फिर क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल। फिर क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर जो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस था वो क्या बनता है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और ऊपर जो अदर नॉन करंट असेट था वो क्या बन जाता है? अदर करंट असेट। और अगर हम बात करें नॉन करंट असेट की, तो पहले शुरुआत होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले पांच हेडिंग को बात कर लेते, फिर फर्स्ट हेडिंग के चार हिस्सों को बात करेंगे। तो पांच हेडिंग, इसीलिए मैंने पीपी पहले अलग लिखा। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर्ड टैक्स असेट, फिर लोन्स एंड एडवांसेस, फिर अदर नॉन करंट असेट। अगर ध्यान से देखेंगे तो दो आइटम नीचे नहीं जाते, पीपी नहीं जाता और डीटीए नहीं जाता। पीपी नहीं जाता और क्या नहीं जाता है? डीटीए। इन्वेस्टमेंट एज इट इज आ जाता, तीन लोग बीच में घुसते हैं, और फिर लास्ट में जो लास्ट के दो आइटम है वो जो लॉन्ग टर्म थे वो क्या बन जाते? शॉर्ट टर्म। क्या मेरी बातें आप तक पहुंच रही है? ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको इसको पूरा का पूरा एक बार याद करेंगे, और जाने के पहले इसका भजन गाकर फिर हम दूसरी चीज के पास जाएंगे। कौन से? हाँ लिख देना, मैं गलती से छोड़ दे, या इट विल बी रोमन टू, सॉरी। कुछ हर्ट तो नहीं हुई ना तू? आई एम सीरियसली आस्किंग यू।
रोमन टू अरे विशाल क्या कर रहा है ये? विशाल पूछ रहा है सिमरन से, डिड यू डू रजिस्ट्रेशन? सिमरन बोल रही है यस। तुझे क्या प्रोसेस चाहिए मुझे बोल, मैं मेरे स्टाफ को कॉल करने के लिए बोलता हूँ, मर्दाना आवाज में पूरा समझाएगा तुझे। कितना गंदा किया है बे। वो ड्राइंग कौन सी है? वो वाली नहीं, वो उधर क्या किया ये? हिडू कितना गंदा लग रहा है पता है तुझे? कुछ अलग लग रहा है उधर। मैं दिखाऊं तुमको? देख रहे नहीं? राम राम राम। सर पीपी को हम फिक्स्ड एसेट नहीं लिख सकते? नो, पीपी को पीपी लिखना। Shall we proceed? No sir. नीचे के बच्चे लिख लियो आप, रसगुल्ले, हैरी पॉटर लिखा तुमने? ब्लू कलर की शर्ट, चश्मा, यू लुक लाइक हैरी पॉटर, डिड एनीवन टेल यू दैट? हाफ टी शर्ट ब्लू कलर, हाँ यस यू बोला किसी ने हैरी पॉटर जैसा दिखता है? किसी ने नहीं बोला। ट्राई डूइंग अ मूवी। देखी तुमने हैरी पॉटर? अभी कर भी देखो। Shall I scroll? मुझे पता नहीं बट मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बैच के साथ बहुत खतरनाक अपना रैपो मैच होगा, क्योंकि जनरली इतनी जल्दी बैच खुलती नहीं है। तुम मतलब निकल रहे हो, तुम्हारे बेस में ओरिजिनल बेस में आ रहे हो और जल्दी आ रहे हो। अच्छा अच्छा सर, आई एम कंफ्यूज, नीचे के बच्चे कौन है? हम सभी है बेटा। सो हैव वी रिटन सो फार? अच्छा एक्चुअली ऐसा होता है कि जब क्लास फुल हो जाती है इधर, तो थोड़ा सा नीचे वर्चुअल चलता है, तो ये बच्चे नीचे की क्लासरूम में बैठकर देखते हैं, तो इसीलिए मैं ऐसे बोलता हूँ। ओके शैल आई स्क्रोल इट? हाँ बाबू, ये जल्दी लिखो रे, फुर्ती से लिखो। कितने बच्चे लिख रहे हैं? कमी ने पहले लिखकर बैठने वाले ना, भाले पर जाकर बैठने का, भाले को तकलीफ नहीं देने का, कोबरे का जहर लगाकर। ये वीडियोस ऐप पर चल रही है क्या? ऐप पर चल रही है वीडियोस? हाँ मंडे को। चलिए राजा बेटा जी, बैलेंस शीट याद हो गई क्या? एक बार याद कर दे, बैलेंस शीट में पहला क्या होता है? ए भाई अभी उत्सव होना चाहिए। हाँ उत्सव, उत्सव समझते हो? अकाउंट्स का उत्सव पक्का? अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम रिपीट करते हो तो तुम्हारा फायदा है कि नुकसान है?
अच्छा मुझे एक बात बता दो, तुमको पूरा आता है ऐसा लगता है क्या? कोई है जिसको लगता है कि नहीं सर मैं रिपीट नहीं करूंगा, गिव मी एन एक्सेप्शन फॉर दैट? यार कल से ये दोनों साथ में नहीं बैठेंगे, मतलब मुझे कोई एतराज नहीं है बट तुम साथ में नहीं बैठोगे। कैसे यार, मैं देखने को बहुत गंदा लगता है, चिमटे ले रहे यार एक दूसरे के, इट लुक्स वेरी अगली, यू अंडरस्टैंड? चिमटे चूठे भर रहे हैं यार एक दूसरे को, इतना क्या डेस्परेटनेस यार पागल। चलो मैं अभी आपसे पूछता हूं। अच्छा अजय वर्मा का क्वेश्चन है, सर एग्जाम में पूरा परफॉर्मा बनाना है या नहीं? आई विल एक्सप्लेन यू दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, ट्रस्ट मी यू डोंट हैव टू वरी, इट इज ऑल सेटल्ड, मैं कर लूंगा। अभी के लिए जो मुझे चाहिए वो हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत अच्छे से करना है, दैट्स इट। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जब इंटरमीडिएट ओल्ड सिलेबस में था, सो दिस किड्स यूज्ड टू डू इट आफ्टर 3-4-5 टॉपिक्स एंड देन वी यूज्ड टू स्टार्ट विद कंपनी फाइनल अकाउंट। इन योर केस वी आर स्टार्टिंग इट एज अ फर्स्ट टॉपिक, यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज ऑल दोस टॉपिक्स आर बीइंग डिलीटेड, सो दैट इज द रीजन आई एम गोइंग टू बी रियली वेरी स्लो इन द इनिशियल स्टेज, क्योंकि मुझे फॉर्मेट परफेक्ट चाहिए, मतलब चाहिए तुम्हारा स्ट्रगल जो है ना हर बार एक एक लेवल कम होते जाना चाहिए, मतलब पहले फॉर्मेट फ्रीज्ड, फॉर्मेट के बाद में हम एक एक एडजस्टमेंट्स को लेकर उसको खत्म करेंगे। जैसे अभी आज मैं शुरू करूंगा पीपी, पीपी के बारे में कुछ बातें करूंगा, उसके अलग अलग डिस्कशन करूंगा, पीपी को खत्म करूंगा, फिर उसके बाद में और कोई आइटम उठाऊंगा, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे, एंड देन विल गो अहेड एंड टॉक अबाउट द शेड्यूल 3 एज सच अ फॉर्मेट, इज दैट ओके? सो आई विल बी सुपर डुपर स्लो एट द इनिशियल स्टेज, सो डोंट वरी, तुम मस्ती करते रहो, मजा आना चाहिए। तो देखो पहला वाला क्या है बेटा जी, लाइबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, पहला वाला क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड, अंडी बंडी शंडी जो नहीं बोलेगा, शेयर होल्डर्स फंड, फिर देखकर नहीं बोलना है यार, वो पीछे नीचे बैठा बच्चा देखकर बोल रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर थर्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज के कितने हिस्से? चार, पहला वाला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, इधर मैंने बताया तब गलत बताया था पर अभी आपको सही बताने का, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, अदर पहले आएगा, फिर टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के बाद में करंट असर, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में ऊपर के चारों नीचे आती है बट एक नहीं आती है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, तो अपन क्या बोलेंगे जो लॉन्ग टर्म है वो क्या बन गया? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिर ट्रेड पेबल के बाद में थर्ड अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, डू यू एग्री? अब हम चलते हैं टोटल टोटल, फिर असेट्स, असेट्स में बेटा जी हम जब लिखते हैं तो पहले आता है नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट्स में कितने आइटम है? पांच, सो पहले हम बोलेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसका ब्रेकअप बेटा जी, फिर वापस बोले उसका ब्रेकअप चार, वापस बोलेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर इनटेंजिबल असेट, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, ये चार आइटम हो गए। सो हमारा क्या हो गया, पहले पीपी हुआ, पीपी के बाद में नेक्स्ट टू सॉरी बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर्ड टैक्स असेट, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट असेट्स, ये पांच आइटम हो जाने के बाद में इसमें से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नीचे चला जाता है, वो क्या बन जाता है? करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट के बाद में इन्वेंट्री, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और फिर अदर करंट असेट्स, बिल्कुल सही। ऑलराइट, सो बेटा जी ये तो हो गई बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट के बाद में दूसरा पी एंड एल अकाउंट भी देख लेते हैं। चलो सांस लो, वेरी गुड, व्हाट अ ब्रीथ यू हैड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा मैं एक आपसे प्रश्न पूछूं क्या? इसके भी ऐसे दो पार्ट और आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, बीच विक क्या बेटो क्या अभी ना मत लिखो, मैं बता रहा हूं, मैं इसमें लिखूंगा फर्स्ट वन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और टू बनेगा अदर इनकम, बल्ले बल्ले हो गया समाप्त,
मतलब पी एंड एल अकाउंट पहले आपका बहुत डिटेल्ड होता था, अब वैसा कुछ नहीं है। तो पहले आपका क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और फिर क्या आएगा, अदर इनकम। और राजा बेटा जी इसको हम बोलते हैं फिर इधर टोटल रेवेन्यू, थर्ड वन। बेटा इधर से ध्यान से देखना शुरू करिए प्लीज, मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ, नहीं सॉरी आई एम सॉरी, पहले लिखेंगे एक्सपेंसेस, जल्दबाजी नहीं बेटा, फोर्थ पूरी क्लास का ध्यान इधर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल शब्द यूज नहीं है, मैं यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर राजा बेटा जी हम लिखेंगे परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और अगर आपको याद होगा तो फिर मैंने बताया था चेंजेस इन, चेंजेस इन इन्वेंट्री, और वो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ व्हाट, आई विल से फर्स्ट वन स्टॉक इन ट्रेड कॉमा वर्क इन प्रोग्रेस कॉमा फिनिश गुड्स, ठीक है। आपको समझ में आने के लिए बेटा जी मैं इसको थोड़ा सा नंबरिंग कर देता हूं, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, एग्रीड। ये जरूरी नहीं था ऐसा, सी के बाद में डी, डी आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, क्या आएगा डी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर डी के बाद में आएगा ई, फाइनेंस कॉस्ट। फिर आएगा बेटा जी ई के बाद में एफ, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और फिर रसगुल्ले बच्चों आपका आएगा, क्या आएगा, इसका नाम है अदर एक्सपेंसेस। सो राजा बेटा जी ये बनेगा आपका टोटल एक्सपेंसेस, ओके। फिर ये टोटल एक्सपेंसेस हम इधर लिखेंगे राइट, इसको हम बोलते हैं बी। बेटा जी इस नंबरिंग को थोड़ा सा मैं ये कर दूं क्या, इधर 1 2 3 4 लिख दूं, मतलब आपको समझ नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 ध्यान रहे कि ये नंबरिंग शेड्यूल 3 में नहीं है, बट आपको वो तीन लाइन है ना तो फिर कंफ्यूजन नहीं है, जैसे ये तीन लाइनों में लिखा ना मैंने तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने नंबरिंग कर दी, कितने आइटम है, तो 7 आइटम है। अब टोटल एक्सपेंस, अब हम क्या बोलेंगे, ए माइनस बी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लिखेंगे ए माइनस बी। अब ए माइनस बी माने कौन सा बेटा जी, ये टोटल रेवेन्यू को क्या बोलेंगे ए, और एक्सपेंस को क्या बोलेंगे बी। ये ए बी ये सारी वर्किंग मैं आपको दे रहा हूं सो दैट यू विल बी एबल टू यू नो कैलकुलेट ए माइनस बी इज व्हाट, हम क्या बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस बोलेंगे हम टैक्स एक्सपेंस, और टैक्स एक्सपेंस को अंडरलाइन करके मैं बोलूंगा करंट टैक्स, करंट टैक्स मतलब पीकेडी। पूजा कामदार दाते ये पढ़ाएगी आपको, इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा रहे ना कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है, तो पीकेडी जो बताएगी वो करंट टैक्स होता है, मतलब जो पूजा मैम या इनकम टैक्स एक्ट में आप जो पढ़ोगे वो क्या होगा करंट टैक्स। फिर हम बोलेंगे डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स ये पढ़ाएगा एआरबी AS 22 में, माई AS 22 से कैलकुलेट होता है डेफर्ड टैक्स, और करंट टैक्स कैलकुलेट होता है बाय इनकम टैक्स एक्ट, समझे। फिर बैठा ये माइनस करना पड़ता तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने के बाद इसमें और भी कुछ आइटम्स है जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, इन सभी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, नहीं करूंगा, क्या उखड़ लेंगे। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने के बाद में कैलकुलेट होता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर में आपका आता है बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, हालांकि हम इसके बारे में बात नहीं करना, बट हमारा क्या आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, समझे। सो राजा बेटा जी रेवेन्यू के आइटम्स कितने, दो, पहला वाला क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दूसरा वाला अदर इनकम, टोटल 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 रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस को शुरुआत करते वक्त बिजनेस को विजुअलाइज करिए, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, परचेस, फिर चेंजेस इन इन्वेंटरी थर्ड नंबर पर आएगा, मतलब ये तीन आइटम तो कल ही मैंने बता दिया था, रॉ मटेरियल का क्या लेते हैं कंज्यूम्ड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ अलग अलग आइटम के बारे में बात करें, रॉ मटेरियल का चेंजेस इन इन्वेंटरी नहीं आता, तो दूसरा कौन सा आएगा बेटा जी स्टॉक इन ट्रेड का चेंजेस इन इन्वेंटरी, वर्क इन प्रोग्रेस का चेंजेस इन इन्वेंटरी, फिनिश गुड्स का चेंजेस इन इन्वेंटरी, यस और नो,
ये हो जाने के बाद में एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर लोन लिया होगा तो फाइनेंस कॉस्ट, जो पीपी होगी उसकी डेप्रिसिएशन लेंगे तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और लास्ट वाला जो हेडिंग बनेगा वो आएगा अदर एक्सपेंसेस। सो जब हम एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हमें टैक्स अलग से माइनस करना पड़ता है, और टैक्स के दो हिस्से है, पहला वाला है करंट टैक्स और दूसरा वाला है डेफर्ड टैक्स। बेटा जी, करंट टैक्स इज व्हाट यू आर लर्निंग इन इनकम टैक्स एक्ट, एंड डेफर्ड टैक्स इज व्हाट आई एम गोना टीच यू इन AS 22। सो बेटा जी, जब आप इन दोनों को प्लस माइनस करके माइनस कर देते हो यहां से, फिर आपको मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट बोलते हैं उसको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से निकलता है ईपीएस। हालांकि मैंने और कुछ आइटम इसमें स्किप किए, जैसे एक आइटम इसमें स्किप किया वो है प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वगैरह वगैरह, इन चीजों के बारे में बात नहीं की मैंने, डायरेक्टली आपको क्या बताया पैट। 95% प्रॉब्लम आपके ऐसे सॉल्व हो जाएगी। तुम्हें समझ में आया मैं कैसे डील करता हूं चीजों को? जो पहले सबसे इंपॉर्टेंट पहले उस पर फोकस करो, और मैंने अभी वो फोकस किया। रसगुल्ले, पी एंड एल अकाउंट लिखो। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ। नहीं आता है गाना अदनान स्वामी? ठीक है, फिर तुम्हें कौन सा आता है? कभी तो बादल बरसे, ये मुझे नहीं आता है। ए भाई, गाना बिना कुछ लगाता नहीं, मैं डायरेक्ट मुजरा करता है। तुम भी ऐसे गजरे बिजरे बांध के आने के, अत्तर बितर लगा के आने का, गादी आदि बनाएंगे इधर, मैं भी आता हूँ तैयार होके लिपस्टिक विपस्टिक लगा के, फिर इधर मुजरा करेंगे। वो अभी लिखना चालू किया है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाओ, ठंडी लग रही है, कपड़े पूरे पहन के आने के। अकाउंट्स में ज्यादा ठंडा हो जाता है। अच्छा, मतलब तुझे एसी से प्रॉब्लम है, ध्यान रखना ये बात को। ठंडी जगह जाना वर्जित है तुम्हारे लिए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए, तो फूल बन गए जो रात आई तो। अह, कुछ बच्चों को शर्म आ रही है गाना गाते हुए। स्क्रॉल करो। यस गुड, ये लो। नमन गोयल, नया पेपर के पैटर्न में पता नहीं कितने मार्क्स का आएगा कंपनी फाइनल अकाउंट, बट आई बिलीव कि 10-15 मार्क्स का आना चाहिए, और वही मैंने चीज आपको लिख कर भी दी थी। ठीक है, और इसका जितना भी फॉर्मेट है पूरा घोट के पीने का अपने को एकदम अच्छे से, क्योंकि एमसीक्यूज में भी आएगा, मतलब आपको पूछेंगे ये आइटम किधर जाएगा, चार आइटम्स देंगे उसमें से कहां जाएगा, तो इसके लिए कंपनी फाइनल अकाउंट को रटना घोटना बहुत जरूरी है, और ये फॉर्मेट है तो करना ही पड़ेगा। वो लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, अम्मी ने पढ़ लिए वो सारे रात में। सैड लाइफ। यस गुड़िया, स्क्रोल। हाँ गुड़िया, क्या?
आयशा करेंगे बेटा, फ्रेमवर्क करेंगे, डोंट वरी। हाँ बेटू और स्क्रॉल करो। हाँ गुड़िया क्या बेटा? वो एफएम में आएगा बेटा, पीबीआईटी जो है इसमें नहीं, अकाउंट्स में नहीं, अकाउंट्स में वो डिस्क्लोजर नहीं होता, एफएम में आएगा आपको पीबीआईटी, फिर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन ये भी आएगा, ठीक है एफएम में आएगा। ओके लेट मी आस्क दिस इंटेलिजेंट क्लास क्वेश्चन, पूछो थोड़े से हार्श क्वेश्चन एंड देन सम ऑफ यू इफ यू वांट टू सिंग अ सॉन्ग यू कैन कम देयर आफ्टर आई विल टीच यू सम अदर कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा लाइट रखो एनवायरनमेंट को तो आराम से कर लोगे मस्ती मस्ती में। मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप डिफरेंट करोगे इन कंपेरिजन टू अदर्स? क्या आपने इस पर कुछ सोचा, मनन किया? जैसे मैं आज एक टीचर हूँ और पहले आई वॉज अ डिजास्टर एज अ टीचर। Yeah, I don't want to lie to you. I passed in my first attempt and I did not do coaching. So, bhandi mere ko samajh bhi nahi aata tha ki bhai ye cheez to itni se samajh mein aa jani chahiye. Ki the one who does this self study becomes logically thoda sa sharp ho jate aur calculation khadakad khadakad karte kyunki ghar mein apan apne hisab se karte. So, my first batch I was common boycotted. I never used to teach in those days in CA. Main padhai karta tha ICA mein. To main common boycott ho gaya. कॉमन बॉयकॉट का मतलब समझते हो? कोई स्टूडेंट्स नहीं है, मैं ही गया क्लास में, वो स्टूडेंट्स बोले इससे नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद में आई स्टिल रिमेंबर माई दोज डेज, सो व्हाट आई डिड वाज कि आई एम, मुझे ये पता है कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और मैंने मेरे दोस्तों को पढ़ाया है, उसके पहले भी पढ़ाया था, कमर्शियली फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा था। सो जब कमर्शियली तुम पढ़ाते हो तो कुछ बच्चे सामने ज़्यादा बैठे रहते हैं तो उसके इसमें आप हर एक की क्वेरी को हैंडल नहीं कर पाते थे, उस जमाने की बात है। तो फिर जब व्हेन आई वाज कॉमन बॉयकॉटेड तो व्हाट आई हैव टू डू, शुड आई कंप्लेन अबाउट द किड्स और आई शुड थिंक अबाउट माई सेल्फ? सो आई थॉट अबाउट माई सेल्फ कि वेयर डिड आई गो रॉन्ग, आई अंडरस्टूड दैट। वो बैच के शुरुआत के कुछ दिन थे, ढाई महीने की बैच थी, फिर ढाई महीने की बैच के बाद में उन्हीं बच्चों ने मुझे फिर रिकमेंड किया वापिस फॉर द बेस्ट टीचर अवार्ड, मतलब देयर वर दिस थिंग्स। मैं आपको बस इतनी सी बात आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो मुमकिन ही नहीं है, प्रॉब्लम तो आनी चाहिए, बट उन प्रॉब्लम्स का आप क्या करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वहां से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर बना, अलग अलग जगह पे पढ़ाया पूरे इंडिया में, एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड दैट यू नो आई विल स्टार्ट टीचिंग सीए स्टूडेंट्स, पुरानी बात है बहुत। सो सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। नाउ आई हैड एन एरोगेंस इन मी बिकॉज आई वॉज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। Arrogance is, it can come to anyone at any point in time in your life. So then I had an arrogance कि नहीं ये तो कर लेगा मैं बराबर, कुछ बड़ी बात नहीं, corporate trainer था अपन कर लेंगे। So बेटा जी that was a disaster because you know what I did the greatest mistake in my life. Prestige Point is a very great learning area. Here for a single subject you will find there are multiple teachers around you, isn't it? So the competition is very fierce and some of the teachers are very popular, some of the teachers are you know upcoming. गोइंग गुड, अच्छा कर रहे हैं। तो उस केस में एक ट्रेंड होता था कि यू फॉलो सम अदर टीचर एंड आई डिड दैट मिस्टेक, देन आई बिकम डुप्लीकेट, आई कैन नेवर बी ओरिजिनल। इफ आई फॉलो शाहरुख देन आई एम सेकेंड कॉपी ऑफ शाहरुख, इनफैक्ट माई इन माई केस आई वुड बी आई थिंक 100th कॉपी, बराबर है ना? यू कैनॉट बिकम ओरिजिनल देयर। तो आप कभी भी किसी को फॉलो करोगे तो आप हमेशा क्या बनोगे, कॉपी बनोगे ना। तो देन यू कैन नॉट डिलीवर द सेम परफॉर्मेंस, यू कैन नॉट बी सोल्ड एट द सेम लेवल सेम प्राइस, कभी नहीं हो पाएगा। कैसे होएगा? ओरिजिनल की जो प्राइस रहेगी, डुप्लीकेट की प्राइस आप जाकर देखो ना, जैसे मतलब ये आईपॉड्स है, आपको आईपॉड्स जो इनके मिलते हैं एप्पल के, दे आर फॉर अराउंड 29,000-30,000 और उसकी कॉपी कितने में मिल जाती है आपको? 800 रुपए में। मतलब इतना वाइड डिफरेंस है, यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना वाइड डिफरेंस है, कॉपी कभी सेम नहीं हो सकती। तो आई क्रिएटेड दैट मिस्टेक, इसलिए आज आपको ये पहली सलाह दे रहा हूं
एक तो एरोगेंस को बाजू में रखना कि मैं हो जाऊंगा ना, और एरोगेंस को बाजू में रखने के बाद में विनम्रता से ये सोचना कि मैं मेरे लिए क्या करूंगा पढ़ाई में। तुमने ये नहीं देखना बाजू वाला क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, ढिंगरा क्या कर रहा है, तुमने ये सोचना कि तुम क्या करोगे। समझे नहीं समझे? आपने हमेशा इंप्रूवमेंट पर फोकस करना, आप कभी परफेक्ट हो ही नहीं पाओगे, आप हमेशा इंप्रूव कर पाओगे। तो इसलिए किस पर फोकस करना? ओनली ऑन इंप्रूवमेंट इन योर रिलेशनशिप, इन योर रिलेशनशिप विद योर मॉम डैड, इन द काइंड ऑफ थिंग्स विच यू डू एवरी टाइम। व्हाट यू कैन डू इज यू इंप्रूव। आई ट्राई एंड मेक इट अ पॉइंट दैट एवरी सिंगल बैच व्हेन आई स्टार्ट आई मेक इट अ पॉइंट दैट कि व्हाट ऑल एरियाज आई एम गोइंग टू इंप्रूव, व्हाट ऑल एरियाज आई एम गोइंग टू टीच एंड हाउ आई एम गोइंग टू टीच इट। तो ये अपने साथ बातें करना बहुत जरूरी है। जो सबसे बड़े सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं उनको एडवाइस देने वाले लोग बहुत कम होते हैं, ये जिंदगी की हकीकत है। जो बहुत बड़े लोग बन जाते हैं उनको एडवाइस देने के लिए लोग कम होते हैं, उन्हें ही खुद का सारथी बनना पड़ता है, उन्हें ही खुद का दोस्त बनना पड़ता है, उन्हें ही खुद से बात करनी पड़ती है। और सीए की तो माया अलग ही है, सीए व्यक्ति ही पैदा होता है एडवाइस देने के लिए। तो ध्यान रखना रूल नंबर, अगर आप मानो तो, जिस दिन आपको बहुत ज्यादा एडवाइस की जरूरत लगने लग जाए, जिस दिन आप बहुत ज्यादा लोगों को देख कर करने की कोशिश करने लग जाओ, समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपकी दिशा सीए की तरफ नहीं जा रही है। एक पैरामीटर है, आपकी पढ़ाई आपके हिसाब से होनी चाहिए, आपके तौर तरीके आपके हिसाब से होने चाहिए। आप कितनी मेहनत करोगे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कितने घंटे पढ़ाई करोगे कोई लेना देना नहीं। हमेशा फोकस रखना एफिशिएंसी कितनी है, कितने एफिशिएंटली आप बैठ पाते हो, कितने एफिशिएंटली आप फोकस कर पाते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो वो भी दिक्कत नहीं है, क्या काम किया जाए जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। समझे? ये उम्र बड़ी नाजुक है, इसमें जो कुछ भी मिलेगा लाइफ लॉन्ग कभी आपसे निकल कर नहीं जाएगा। आप आपका बचपन भूल सकते हो, ये वाली उम्र कभी नहीं भूलोगे। तुम्हारे माँ बाप तुमको ये बोलेंगे कि तू बहुत जल्दी बड़ी हो गई या बहुत जल्दी बड़ा हो गया, क्योंकि जब तुम्हारा जन्म हुआ जेन्युइनली टाइम बहुत फास्ट भागा तुम्हारे माँ बाप का। माँ बाप वो टाइम भी भूल जाते क्योंकि काम में लग गए थे बहुत ज़्यादा, हर सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग आ गई। इस समय आप अपने साथ हो, अपना जीवन जी रहे हो, ये वाला समय आप कभी नहीं भूलोगे। मैं मेरे हॉस्टल डेज, मेरे वो 5 साल जिंदगी के कभी नहीं भूल सकता, क्या क्या मस्ती की थी, क्या क्या कांड किए थे। एग्रीड? तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ क्लास में कि मस्ती करने वाला आदमी ही पढ़ाई भी कर सकता है और पढ़ाई करने वाला आदमी मस्ती कर सकता है। ढोंग करने वाला नहीं है, पढ़ाई का ढोंग भी होता है। हम सब लोगों ने ढोंग किया है टीचर के सामने स्कूल में, डोंट टेल मी लाई। जो सिंसियर बच्चा रहता था मॉनिटर, वो कमीनापन करता था ऐसा, टीचर के सामने पढ़ने का, दिखाने का, हाथ ऊपर, वो ढोंग था। ढोंग नहीं, एफिशिएंसी समझ में आ रहा है कि भाई जो बंदा मस्ती करता है, दिल खोल कर हंस सकता है, दिल खोल कर नाच सकता है, दिल खोल कर गा सकता है, मस्ती कर सकता है, वही आदमी आगे चलकर दिल खोल कर पढ़ाई भी कर सकता है। तो इसलिए बच्चे ही बने रहना, ज्यादा सीरियस मत होना। क्या बने रहना? बच्चे। ज्यादा सीरियस मत होना, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मेंटेन अ स्माइल, मस्ती करने का, तो मेरे क्लास में तो ये अलाउड है। तो फिर जब मस्ती करते हो तो दोनों बोथ वेज चलता है। जनरली ये बात मैं थोड़ा सा लेट बताता हूँ, बट इस बैच में जल्दी बताने की मुझे लगा कि जरूरत है। तो इट इज बोथ वेज, सो वी आर लाइक टॉम एंड जेरी। सो जब तुम मस्ती करोगे तो एक रूल ध्यान में रखना, पकड़े मत जाना। और उसके बाद में मैं मेरी पूरी ताकत जुटा दूंगा कि तुम पकड़े जाओ, क्योंकि फिर मजा आता है। फिर तुम मस्ती करोगे, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, फिर तुमको पकड़ के इधर लाया जाएगा और फिर तुम्हारे को पूरे लेक्चर में वही मस्ती कराई जाएगी। तो जैसे कोई बच्चा आवाज निकाल रहा है यू, तो बच्चा इधर आएगा और पूरे लेक्चर में आवाज निकालेगा यू यू यू। और मैं कराता हूँ, हाँ मतलब बता रहा हूँ, पकड़े मत जाना। तुम जो कुछ भी करते हो पकड़े जाओगे। अपना रूल सिंपल है, तुम्हारा मन भरने का उससे, तो तुम्हें पूरे लेक्चर में वही काम कराया जाएगा। समझे? गुड, सो दैट्स लवली। सो कैन वी नाउ पीपल गो अहेड? फॉर्मेट हो गया? कुछ स्पेशल चीजें करते हैं? सर आप स्टूडेंट से ज्यादा मस्ती करते हैं। अरे मैं अभी बच्चा है। मैं, मेरे को नहीं बड़ा होने का, बेकार जगह ले रह चुका मैं बड़े बड़े लोगों के साथ। कितनी सीरियस बात करते मालूम है क्या? बहुत सीरियस बात करते, जैसे अभी किडनी चली जाएगी। चले अभी आ गया। एक लास्ट बात, लास्ट 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 फिर चलते।
यू नो व्हेन यू विल अर्न मनी मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस यू विल टेक इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स. सोच समझ के डिसीजन लेते, बट खड़ाकट डिसीजन, हाँ ये पैसा इधर इन्वेस्ट करने का, हाँ ठीक है इसमें बताओ क्या है, हो जाता वाइप पे काम होता है. समझ में आ रहा है? तो मेरे लाइफ में तो सीधा सिंपल सा रूल है भाई, जब मैं फोकस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ, और मेरी एक बात पर पूरा स्टाफ हिल जाता है, जब भी मैं बोलूँगा पूरा स्टाफ हिल जाएगा, बट बाकी के 90% टाइम मैं उनसे बकवासी कर रहा होता हूँ. अभी दिन भर सीरियस बात करेगा तो कैसा मेरे को सीरियसली लेगा वो? तुमसे दिन भर कोई हर रोज सीरियस ही बात करे, कितनी बार डरेगा? कितनी बार डरेगा? फिर डर गायब हो जाता है. इसके लिए क्या, समझो मस्ती करते रहने का, और थोड़े से समय के लिए मनन करने का, और फिर काम में लगने का, और मस्ती से काम करते रहने, सीरियस होकर कुछ नहीं होता है. चले झंडू के बाम लिखो, स्पेशल एडजस्टमेंट. कौन सी वाली एडजस्टमेंट? स्पेशल. तुम स्पेशल हो तो तुम्हारे लिए एडजस्टमेंट भी स्पेशल है. अभी सर मालूम पड़ेगा बहुत गंदी एडजस्टमेंट बताइए आपने हमको. और इसका नाम है पी का ई, पीपी की एडजस्टमेंट बता रहा हूं भाई, पीपीई. इसके एडजस्टमेंट में पहला है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन को मेंटेन करने के लिए दो तरीके, डेप्रिसिएशन चुप झूठे चार्ज्ड अगेंस्ट असेट, चार्ज अगेंस्ट असेट. दूसरा वाला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको हम और एक तरीके से भी बोल सकते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई, रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई. सो शैल आई डिस्कस इट नाउ डियर स्टूडेंट्स? हाँ बेटा लिखना है, सॉरी मेरे से गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, लिख ले मेरे साथ ही लिख ले बेटा, सॉरी 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 सॉरी, अभी वेट करूंगा इस बार, ठीक है. येलो कलर की गुड़िया, येलो कलर की गुड़िया. वो लाले को बोलो यस, खुश रहे, झुके हुए खंदे, तू झुका हुआ, अच्छी बात नहीं है. चलो अभी पढ़ ले, लिख लिया बेटू? चलो फर्स्ट वाला पढ़ते बेटा जी. डेप्रिसिएशन के दो तरीके, तो हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल बनाते हैं, आप भी मेरे साथ एग्जाम्पल बनाएंगे. एक असेट है जिसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपीज, लिख सकते हैं हम इंस्टॉलमेंट एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ ऐड करके मैंने बता दिया कॉस्ट है 5 लाख रुपीज. फिर मैंने बोला उसकी यूजफुल लाइफ है, यूजफुल लाइफ, उसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स. और फिर मैं आपको बता रहा हूं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड बेटा, थैंक यू. एंड आई एम इस बच्चे ने आज पहली बार मुंह खोला, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड पर, गुड बेटा. और असेट सोल्ड आफ्टर 3 ईयर्स फॉर रुपीज 4,10,000. समझ में आई है? असेट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 4,10,000, कबूल है? अब इसको करने के दो तरीके होते हैं. एक तरीका आपको अच्छे से आता है वो हम पहले लिख देंगे डायरेक्टली तो तुम समझ जाओगे, फिर दूसरा वाला तरीका तुमको नहीं आता है तो फिर वो हम समझेंगे. वैसे मुझे नहीं समझा असेट को कौन सा बैलेंस होता है. तो जब असेट आती है तो कैश क्या होती है, आती है कि जाती है?
हमारी पहली एंट्री आप बनाने की कोशिश करोगे क्या? असेट को कौन सा बैलेंस? डेबिट। असेट बढ़ेगी क्या कम होगी? असेट को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट? सो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश, सही है क्या? सो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश। डेप्रिसिएशन से असेट बढ़ती है कि कम होती है? एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन टू असेट। और ये डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट होता है? एक्सपेंस। और आपने अभी थोड़ी देर पहले पी एंड एल अकाउंट देखा, उसमें लिखा था डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन कहां हिट करेगा? वहीं पर, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो वो कहां जाता है? पी एंड एल अकाउंट से। यस, ऐसा हम कितने साल करते रहेंगे? 3 साल करे। तो इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे डिस्काउंट कर लाइन ड्रॉ कर ली, कर दी गुड़िया। अच्छा, पहली एंट्री आएगी बेटा जी इधर, असेट अकाउंट डेबिट, बोलो कितना आएगा? 5 लाख क्या? टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बेटू कितना आएगा? 5 लाख। हैप्पी। फिर दूसरी एंट्री आएगी बेटा जी, गुड़िया साथ में लिखने का है, नहीं जम रहा है पक्का? संतोष नहीं तो खाली बेटा, हेल्प कैन आस्क हिम टू राइट फॉर यू। We provide writer services also. They will charge you for that. But क्या लिखते हो समझ में नहीं आता फिर। Depreciation account debit to asset account. बोलो ना। Yes sir, नहीं भैया amount बताओ कमी नो। 50,000। अच्छा, यूजफुल लाइफ दिया बेटा। अच्छा, 5 लाख को 10 सालों में बांटोगी तो कितना आएगा? मैजिक लगा आपको बेटा? क्या मुझे लग ही रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि नहीं, थोड़ा सा एडवांस डायरेक्टली ले सकते हैं। फिर तुमने ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब मैं वापस आ गया मेरे औकात पर। नहीं नहीं बेटा, धीरे ही चल। पी एंड एल अकाउंट डेबिट, ये आगे जाके रायता फैलाएंगे। 50,000 टू डेप्रिसिएशन। यस, कितना खुश हुआ ये। चलो फिर आगे बढ़ जाते। तो पहले हमारी 3 एंट्रीज हो गई बेटा जी। अब अगले साल से कितनी एंट्रीज होगी? समझ में नहीं, कितने एंट्रीज होगी? दो। कौन से? एक डेप्रिसिएशन और एक ट्रांसफर टू पी एंड एल। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, रंग चेंज कर रहा हूं, किसका? पेन का। और हमारी एंट्री आएगी वापस डेप्रिसिएशन। ये मैंने पहले ही कल बता दिया था कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, मेरे को रुका कर है ना, काम खराब मत करना मेरा कि सर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। और जब ऐसा लगे तो फिर इंग्लिश में बात करना मेरे साथ, फिर मैं बात करके बताता हूँ। इंग्लिश भारी बोलता है मैं। अरे कमीने लोगों, खास ने तो दो यार। तेरी टाइमिंग भी बड़ी खराब है यार, तुझे पता है ना कब छोड़ के भागा था तू ऐसे? सब लोग करते हैं। गुड़े आई एम सॉरी यार, ये साले कमीने लोग। हिपी, वेरी गुड, आई एम सो वेरी प्राउड अबाउट यू। तो बेटा जी कौन सी एंट्रीज हो गई हमारी? 2 एंट्रीज हो गई है ना। ये कौन सा साल खत्म हुआ? दूसरा। तीसरा साल बता दो भाई, फालतू की बातें मत करो, जल्दी से बता दो। 6th वाला डेप्रिसिएशन टू असेट कितना बाबू? 50,000 and 50,000। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 50,000। डू यू ऑल एग्री? नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मैं क्या करूंगा, आपको अकाउंट बनाने हैं। कौन से अकाउंट बनाने हैं? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। आर वी रेडी टू डू दैट? सो लेट्स डू द अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट या असेट अकाउंट। ये असेट अकाउंट ऐसे बनाओ बेटा, रफ में बनाना है, कोई स्केल वेल बराबर से यूज नहीं करना है, रफ में बनाना है। और हेडिंग लिखेंगे हम ईयर वन। ये रफ में बनाना है बेटू, ईयर वन। सो हम लिखेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक 5 लाख, और बेटा जी हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन
50,000, फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,50,000 और राजा बेटा जी ये टैली हुआ, फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,50,000, डू ऑल कॉपी दिस, फिर बाय डेप्रिसिएशन 50,000, कॉपी दिस एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,00,000, बिल्कुल सही बेटा, डज दैट टैली, यस बेटा जी, मेक इट अ पॉइंट दैट व्हेन यू राइटिंग द इंटरमीडिएट पेपर यू शुड पुट द कॉमा इन थाउजेंड्स एंड देन हंड्रेड, मतलब हंड्रेड्स थाउजेंड्स एंड देन लैक्स, डोंट फॉरगेट दैट, एंड देन माय डियर फ्रेंड्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आई शैल राइट डाउन 4,00,000 बाय डेप्रिसिएशन 50,000 एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन हाउ मच विल आई राइट डाउन 3,50,000 बेटा हमने क्या बोला आफ्टर थ्री इयर्स बोला है क्या असेट सोल्ड आफ्टर थ्री इयर्स मतलब मुझे तीन साल कंप्लीट करने पड़ेंगे आफ्टरवर्ड है सो आई हैव टू कंप्लीट हाउ मेनी इयर्स थ्री इयर्स आई हैव राजा बेटा जी कंप्लीटेड थ्री इयर्स एंड आई विल राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000 लेट मी आस्क यू डियर स्टूडेंट्स इफ आई अज्यूम दैट द असेट इज सोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर विच आई एम अज्यूमिंग राइट नाउ असेट इज सोल्ड एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर आफ्टर थर्ड ईयर इन इनिशियल फोर्थ ईयर मतलब इमीडिएटली व्हेन वी स्टार्टेड विद द फोर्थ ईयर आई सोल्ड द असेट सो कैन आई नॉट से बाय कैश ऑब्लिक बैंक आई सोल्ड इट फॉर हाउ मच 4,10,000 एंड बॉयज एंड गर्ल्स आई नाउ हैव अ बैलेंसिंग फिगर ऑन द डेबिट साइड इट इज प्रॉफिट ऑन सेल एंड व्हाट इज प्रॉफिट ऑन सेल माय डियर स्टूडेंट्स 60,000 डू यू ऑल एग्री मुझे लगता है ये वाले अकाउंटिंग आप बचपन से पढ़ के आए हो बहुत आसान है और इजीली आप इसको कर पाए यस और नो गुड़िया लेजर अकाउंट भी इसी तरफ बनाना था मैं इसी तरफ बना रहा हूं ना नहीं सॉरी नहीं वो बाद में तू मुझे गाली देगी अभी तो जब मैं इस तरफ कुछ लिखूंगा तो मुझे गाली मत देना सब तेरी गलती है मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ भैया और मैंने अच्छा ये भी मर गया ओ इधर सब खरबूजे कटे वाह ओ इधर भी खरबूजा कटा इसने तो पन्ना ही पलट लिया बोले ए भाई मैंने लेफ्ट साइड में ही लिखा है चलो कोई बात नहीं तुम्हारे लिए करेंगे थोड़ा सा जुगाड़ अभी हेडिंग लिखनी पड़ेगी अच्छा ये वाला तरीका समझ में आया क्या चलिए राजा बेटा जी इधर आ जाओ दो मिनट रुको अभिषेक उपाध्याय 12th क्लास डन वेरी गुड बेटा तो अभी एक क्वेश्चन पूछता है पूछे क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से सॉल्व करने का है और कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसका ट्रीटमेंट क्या आता है बता मेरे को इसके लिए पढ़ा रहा हूं ओवर एक्टिंग मत कर हीरो बन रहे हो और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रहता है तब रिवैल्यूएशन करते तब उसका ट्रीटमेंट बता हाँ मर क्यों रहा है हो गया क्या असेट अकाउंट नहीं बना असेट अकाउंट बनाया ना हाँ इसको रुकाऊं मतलब इसको भी कॉपी करेगा तू इसीलिए करा रहा हूं बेटा ये कितने बच्चे लिख रहे कॉपी कर करके चला इधर 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 दूसरे वाला मेथड इसको लिखेंगे ये पहला वाला क्या लिखेंगे बेटा जी हेडिंग डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज्ड अगेंस्ट असेट डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज्ड अगेंस्ट असेट बेटा अभी मेरे को तुम्हारा सहयोग लगेगा मुझे तुम्हारा हेल्प लगेगा प्लीज हेल्प कर दोगे ना तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो अभी ये वाले में जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेट मी रिमाइंड यू एंड टेल यू दैट रियल लाइफ फॉलोज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ अकाउंटिंग I am not saying method of calculating depreciation. Method of calculating depreciation can be SLM, can be WDV, can be product unit method वगैरह वगैरह वगैरह. वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं. उसके accounting के दो तरीके हैं. एक depreciation directly asset को credit कर दिया जाता है और एक दूसरा provision for depreciation method. Real life follows
provision for depreciation method and hence schedule 3 is real to the companies act or real to the companies and hence my dear friend aapko majority case mein provision for depreciation method follow karna padega. जब आप फाउंडेशन में थे तो इंस्टीट्यूट के आपने उसके तीन प्रॉब्लम सॉल्व किए थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के, बट यहां पर ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम में आपको यही फॉलो करना पड़ेगा. इसके वजह से इसको अभी आज समझना जरूरी है. क्या आप रेडी हो अभी इसको समझने के लिए? सो मैं पहले आपको बताता हूं, इसमें जब असेट को एक्वायर करते, ये थोड़ा सा डिटेल चलेगा क्योंकि मैं जितना इसमें वर्किंग किया था उससे ज्यादा अकाउंट्स इसमें बनाऊंगा और इसके ज्यादा अकाउंटिंग आपको बताऊंगा, क्योंकि लेफ्ट वाला जो था ना वो आ जाएगा और वो अगर मान लो नहीं भी आया तो प्रॉब्लम के वक्त भी समझाऊंगा तो समझ में आएगा. इसमें एक प्रोसेस है वो समझना जरूरी है. सो पहली वाली एंट्री क्या आएगी बेटा जी? असेट अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक 5 लाख, टू कैश ऑब्लिक बैंक. आप मेरे साथ लिख रहे हो बेटा, कितना आएगा? 5 लाख. ये कौन सा साल हुआ बेटा जी? ईयर वन में 5 लाख में असेट एक्वायर हुई. सेकेंड केस में लिखा आपने ये एंट्री, सेकेंड एंट्री लिखेंगे डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. अगर आप चाहे तो इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हो. 50,000 एंड कितना है बेटा जी? 50,000. से यस रसगुल्ले बच्चों, वेयर विल डेप्रिसिएशन गो एंड हिट P&L अकाउंट ओनली एंड वेयर विल प्रोविजन गो? तुमको मैं पढ़ा चुका हूं और तुम्हारा लॉजिक लगाओ. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है? कहां से लेस करोगे? असेट में से. मतलब ये हमेशा ध्यान में रखना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डजंट गो एंड हिट द P&L अकाउंट, बिकॉज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज एक्चुअली एन असेट. असेट डजंट गो इनटू द P&L अकाउंट. व्हाट गोज इनटू द P&L अकाउंट इज अ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस. ऐसा नको करो, अपन थोड़ी देर पहले बात करे थे ना यार. चलो वापिस पूछते, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या P&L अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस जाते हैं मेरे बच्चे, असेट थोड़ी ना जाती है. सही बोल रहा हूं ना मैं? सही बोल रहा हूं ना? मुझे बताओ क्या जाता है P&L अकाउंट में? इनकम और एक्सपेंसेस जाते हैं. इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड एक्सपेंस? नो. यस और नो? इट इज एन असेट एंड इट शोज रिडक्शन फ्रॉम द असेट की कितने से रिड्यूस हुआ. ठीक है, कोई बात नहीं बेटा. सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या करेंगे? P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन. बेटा सांस लो. बेटा मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर कितने अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हुए? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू सन. इसमें कितने अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हुए? जो सेकंड मेथड है इसमें कितने अकाउंट कैरी फॉरवर्ड है? दो. पहले वाले केस में एक ही अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होता, वो है असेट. डेप्रिसिएशन वॉज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. बट इन दिस केस देर आर एक्चुअली टू अकाउंट विच आर गेटिंग कैरी फॉरवर्ड. देखो पहली एंट्री थी असेट टू कैश, तो हम असेट के बारे में बात करें तो असेट कैरी फॉरवर्ड हुआ. और सेकेंड एंट्री विद डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, उसमें से डेप्रिसिएशन जो था वो P&L में रवाना हो गया. सो डेप्रिसिएशन गॉट क्लोज्ड. बट देन देयर इज अनदर अकाउंट विच इज व्हाट? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. इट विल गेट कैरीड फॉरवर्ड ईयर ऑन ईयर. से यस और नो? पूरी क्लास को ये बात समझ में आई? सो बेटा जी यहां इसके साथ ईयर वन समाप्त. लिख पाए आप मेरे साथ ये? ओके, नाउ लेट मी आस्क यू, सेकेंड ईयर में कितनी एंट्रीज होगी? What is the first entry? क्या बोल रहे हो? Depreciation to provision for depreciation. फिर next, P&L account debit. P&L account debit to depreciation. So here we write down fourth entry. Depreciation account debit to provision for depreciation. बराबर है? राजा बेटा जी मुझे एक बात बताओ, कितना अमाउंट आएगा? 50,000. मुझे एक बात बताओ, इसमें से कौन सा अकाउंट P&L में ट्रांसफर हो जाएगा? सो कैन आई नॉट से फिफ्थ एंट्री में P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट? यस राजा बेटा जी, अमाउंट इज 50,000 and 50,000. डू यू कॉपी दिस? नाउ लेट मी आस्क दिस इंटेलिजेंट क्लास वन मोर टाइम, कौन सा अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है इन सेकेंड ईयर? डेप्रिसिएशन कहां ट्रांसफर हो गया?
तो आज आपको ये बात पता करनी है कि डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दो अलग अकाउंट है, दोनों भिन्न है। डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों अलग है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। प्रोविजन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज नॉट एन एक्सपेंस। डू यू एग्री? यस। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर देयर इन द थर्ड ईयर। बोल बेटा। नो, सम ऑफ द गर्ल्स प्लीज गो एंड हेल्प हर आउट। ना मतलब ये वाला दरवाजा लॉक हो गया क्या? संतोष, नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, अभी कब कैसे बोलेंगे? एक सेकंड ना, मैं करवाता हूँ। ये दरवाजा लॉक कैसे होगा? ये तो खुल जाएगा ना अंदर से। पागल, वो लड़की का छोड़, अपन कैसे बाहर जाएंगे? दिस इज द रियल टेंशन। अच्छा ये इधर से है ना, मेरे को लगा वॉशरूम में कोई लॉक होगा। चलो फोकस करो। सिक्स्थ, आई मीन आई सेंस्ड द जेन्युइन टेंशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अभी तक घर की आदत गई नहीं है तुम्हारी। मम्मी दरवाजा नहीं खोल रहा है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना है क्या बेटू? 50,000। सांस लो। गुड। सेवेंथ एंट्री क्या बोलेंगे? पी एंड एल अकाउंट डेबिट। वाह, 50,000। हैप्पी? ऑल राइट, इसके साथ हमारा ये अकाउंट खत्म हुआ, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हें सांस क्यों लेने के लिए बोलता हूं कभी बताऊंगा आपको, बहुत लॉजिकल रीजन है, बट जब जब बोलो तब ले लिया करो, वैसे भी तो लेते ही हो, ठीक है? शुरू करते हैं अभी। हाँ तो बेटा जी, मैं अब आपसे एक बात बता दूं। इधर हमारा दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा असेट अकाउंट, इसको बोलेंगे, ये असेट अकाउंट बना गया। और राजा बेटा जी, इधर अराउंड एक तीन तीन मतलब नौ लाइनें छोड़ दो, नौ से दस लाइनें, और फिर और एक अकाउंट बनाओ नीचे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बनाओगे ना? अच्छा कैसे बनाना है ये? हाथ से। वाह, वेरी गुड। बस तू गलत हो गया भाई, रीजन था। सो आर वी हैविंग असेट अकाउंट एंड व्हाट? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू अकाउंट्स। सो बेटा जी, हेडिंग लिखिए पहले ईयर वन, और नीचे भी लिखेंगे ईयर वन। हैप्पी? नाउ यू टेल मी, द फर्स्ट एंट्री वॉज असेट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। सो कैन आई नॉट राइट डाउन ऑन द डेबिट साइड टू कैश ऑब्लिक बैंक? कैन आई हैव द फिगर बेटा? 5 lakh, रसगुल्लो। यू मेड द फर्स्ट एंट्री, व्हाट वाज दैट फर्स्ट एंट्री? डेप्रिसिएशन असेट की हो गई बेटा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री क्या करी आपने? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डू यू रिमेंबर दैट? सो बेटा जी, नाउ आई कैन नॉट राइट डेप्रिसिएशन इन द असेट अकाउंट। We cannot write down depreciation in the asset account. We'll have to write it down where? In the provision for depreciation account. So can I not write down by depreciation account? Can I have the figure please? 50,000. All right. Now I said you, which, how many accounts are getting carried forward? Two. So boys and girls, I will write down by balance carried down 5 lakh. Happy? And my provision, 5 lakh कैरी फॉरवर्ड होगा ना, डेप्रिसिएशन उधर नहीं डाला है ना? यस। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कैरी फॉरवर्ड होगा क्या? कितने से कैरी फॉरवर्ड होगा? 50,000। सो आई विल राइट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन, आई विल राइट डाउन 50,000। से यस। इसको टैली किया, टेक योर ओन टाइम भाई, क्या कर रहे ये? स्केल मत वापर कर, चल चल जल्दी कर, भी हर चीज स्केल वापर किया नहीं होता, वो सेंटीमीटर सेंटीमीटर यूज कर रहा साला येड़ा। करे यार जल्दी, करे यार, येड़ा है क्या रे तू? कॉन्सेप्ट पर फोकस कर, मैं बोल रहा हूं रफ में करो तो भी तुम ऐसा करते हो यार। अभी लोग कितनी देर से वेट कर रहे हैं, उनको जाने का घर पर, तेरे वजह से जाएंगे नहीं, मारेंगे। ओ आई एम सॉरी,
अभिषेक उपाध्याय क्या लिख रहा है यार तू, थोड़ा सा रहम कर कुर पर और शांत हो जा थोड़ी देर, इतना मत बोल यार। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेक फॉर जनरल रिजर्व अकाउंट। लस्सी पी बेटा। अब बेटा अभी नेक्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख बेटा। और राजा बेटा जी नेक्स्ट ईयर में आपने एंट्री क्या करी थी, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यस और नो? आई विल कैरी फॉरवर्ड दिस बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सही है बेटा? 50,000 बेटा जी। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या की सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या की? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, सो कैन आई नॉट से बाय डेप्रिसिएशन बेटा? कितना आएगा? 50,000। इसका मतलब ये हुआ बेटा जी, असेट मेरी कैरी फॉरवर्ड हो रही है एट ओरिजिनल कॉस्ट, बट मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हर साल दर साल इंक्रीज हो रहा है। देखिए मेरी असेट कितने पे कैरी फॉरवर्ड हो रही है, 5 लाख पर ही ना, असेट में कुछ भी नहीं गया, बट डेप्रिसिएशन हर साल प्रोविजन में डालने की वजह से प्रोविजन बैलेंस इज इंक्रीजिंग, यस और नो? सो कैन आई नॉट से मेरा असेट का बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना आएगा बेटू जी? 5 लाख। डज दैट टैली? और इसी को ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे थर्ड ईयर में, ये ईयर टू समाप्त, ईयर थ्री में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बोलो बेटा कितना लिखेंगे? 5 लाख। हैप्पी? चले गुड़िया शांत, सबको पता चल जाएगा कि तू बिना वजह हंसती है, शांत हो जा, मैं कवर कर रहा हूं ना अभी। नको 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 प्लीज। ये कौन सा रोग लगा है भाई? ठीक है अभी कितना लिख दिया बेटा जी? चंपा सर याद आई। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो क्या? 1 लाख बेटा जी। प्रोविजन कैरी फॉरवर्ड हो गया थर्ड ईयर में, ईयर थ्री बेटा जी। पहले मैं आगे जाऊं उसके पहले मुझे बता दो यहां तक कोई एतराज, यहां तक कोई दिक्कत? सो बेटा जी मुझे एक बार इसका थोड़ा सा एक फीचर्स बता दो, इसमें क्या होता है? असेट इज कैरीड एट द ओरिजिनल कॉस्ट और प्रोविजन क्या होता है? हर साल दर साल इंक्रीज होते रहता है। गुड वन। अब बेटा जी आगे चलते हैं, थर्ड ईयर के बाद में भी असेट कितने में जाएगी? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बोलो 5 लाख। डज दैट टैली? और फोर्थ ईयर में इसको नहा धो के हम ले आएंगे, फोर्थ ईयर में, ईयर फोर्थ में आ गया असेट को, बोलो आ जा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। बोलो हाँ, असेट आ गई 5 लाख में। कितना भारी है ना, हर बार असेट ओरिजिनल कॉस्ट पर ही है। नाउ लेट्स गो अहेड अबाउट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बेटा जी कितना डेप्रिसिएशन है थर्ड ईयर का? बाय डेप्रिसिएशन 50,000 है क्या? एंड टू बैलेंस कैरीड डाउन 1,50,000। एंड देन आई से इन द ईयर 4 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। लेट मी आस्क यू दिस इंटेलिजेंट क्लास, डू यू थिंक सो इन द फोर्थ ईयर वी सोल्ड द असेट फॉर 4,10,000? नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, इफ यू कंपेयर 4,10,000 विद द असेट अकाउंट, असेट अकाउंट 5 लाख का है, if you compare 4,10,000 with the asset account you will lead to a wrong answer, kyunki wo asset ki value hai hi nahi, asset ki value aapke first account mein, asset account mein usi par hai, original cost par hai, but asset ki mere book mein jo value honi chahiye wo asset ki cost mein se uski accumulated depreciation minus honi chahiye, yes or no? So mere liye ek zimmedari banti hai ki mere ko ye dono account ko ek jagah lana padega, ye do alag alag account hai but tumhe pata hai ki ye do nahi ek hi hai, यस और नो? क्योंकि तुमने मुझे बोला था सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? असेट। अब तुम मुझे जल्दी से बताओगे असेट को कौन सा बैलेंस होता है? और प्रोविजन को है क्रेडिट बैलेंस। सो डेबिट बैलेंस में से जब क्रेडिट माइनस करेंगे तो आपको उसकी मिलेगी बुक वैल्यू। क्या मिलेगी? बुक वैल्यू, मतलब बुक में आपकी असेट की वैल्यू बेटा जी इज नॉट 5 लाख, इट इज 5 लाख माइनस 1,50,000, इट इज 3,50,000 इज द बुक वैल्यू, से यस और नो? तो रसगुल्ले बच्चों अब हम क्या करते हैं, एक और अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम बनेगा असेट डिस्पोजल अकाउंट। क्या बनेगा? असेट डिस्पोजल अकाउंट बेटा। एज द नेम सजेस्ट,
ये अकाउंट हमने बनाया टेम्पररी असेट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, राइट। अब हमारा मकसद क्या है, असेट के बैलेंस को इधर ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन के बैलेंस को भी इधर ही ट्रांसफर करेंगे, सही है सर नो? कौन से दो बैलेंसेस को इधर ट्रांसफर करेंगे, असेट को और प्रोविजन को, क्योंकि एक्चुअली दिखते वक्त दो अकाउंट है बट दो नहीं एक ही है। अब बेटा जी मुझे सेल करना है तो मैं दो अकाउंट में कैसे सेल करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, असेट डिस्पोजल अकाउंट एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। बेटा इसमें अल्टरनेटिव तरीके भी है अकाउंटिंग के, ये एकमात्र तरीका नहीं बट हम ये फॉलो करने वाले हैं, तो कुछ बच्चों ने अलग तरीके से भी किया होगा वो तरीका भी सही होगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे बेटा जी, हम असेट के बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे बाय असेट डिस्पोजल 5 लाख। बेटा असेट अकाउंट वैल्यू आ गया, बेटा इधर क्रेडिट किया तो उधर क्या होगा, डेबिट। असेट डिस्पोजल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। कॉपी दिस। सो चलो जल्दी से आ जाओ, असेट डिस्पोजल के यहां पर क्या करेंगे, टू असेट अकाउंट कितना लिखेंगे, 5 लाख। बेटा जी मुझे बताइए प्रोविजन को कौन सा बैलेंस होता है, आवाज नहीं आया बेटा, तो उसको अगर रिवर्स करना है तो क्या करना होगा, डेबिट। सो बेटा जी कैन आई नॉट राइट डाउन टू असेट डिस्पोजल अकाउंट 1,50,000, डू यू एग्री, डज दैट टैली। बेटा जी मुझे इसका सेकंड इफेक्ट बताओ कहां जाएगा, असेट डिस्पोजल के क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,50,000, डू यू कॉपी दिस। सो बेटा जी अब आप अगर देखेंगे तो मेरी ये असेट किस पर आ गई है, WDV पर, बुक वैल्यू पर, इसको क्या बोलते हैं, WDV या बुक वैल्यू। इधर देखिए ऐसे ही तो था, हमारी असेट 350 पर थी, मेथड नंबर वन में असेट कितने पर थी, 350 पर। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमारे पास अकाउंट कितने थे, दो, दोनों अकाउंट को जब हम एक जगह लिया है तो आप देखिए 5,00,000 - 150, 350 आ गए ना। अब इसमें सेल वैल्यू लिख सकते हैं, तो सेल वैल्यू कितनी आएगी बेटा जी, बाय कैश ऑब्लिक बैंक, कितने में सेल किया बेटा जी, 4,10,000। अब मुझे बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 60,000। तो कहां पर लिखेंगे, डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट ऑन सेल। हैप्पी, आशा करता हूं कि मेरे बच्चों को एक बात समझ में आई कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इट कीप्स इंक्रीजिंग बट जब कभी भी हम सेल करेंगे असेट को तो हमें पहले दोनों अकाउंट को एक जगह लाना पड़ेगा, और वो कहां लाएंगे हम, असेट डिस्पोजल, और वहां पर सेल प्रोसीड्स लिखकर उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। आपको और एक बात याद दिला दूं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप बहुत अच्छे से समझ गए इस बार कि वो असेट होता है, तो राजा बेटा जी वो P&L में नहीं जाता होता है, P&L में जो जाता है वो क्या जाता है, डेप्रिसिएशन जाता है फॉर द करंट ईयर। डू यू ऑल कॉपी एंड एग्री ऑन दिस, जल्दी से मुझे बताओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन असेट है या एक्सपेंस है। सो बेटा जी ये बैलेंस शीट में असेट में से क्या होता है, लेस, बट बेटा जी जो P&L में जाता है वो क्या जाता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहां जाता है, P&L के डेबिट साइड। डू यू ऑल एग्री। और राजा बेटा जी हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक अलग अकाउंट में होता है और असेट एक अलग अकाउंट में होता है, जब कभी भी हमको सेल करना होता है तब हमें क्या करना पड़ता है, दोनों को एक अकाउंट में लाना पड़ता है, उस अकाउंट का नाम क्या है, असेट डिस्पोजल। सो असेट डेबिट साइड में आएगी एट ओरिजिनल कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में आएगा, और जो कोई भी हम सेल करेंगे वो लिखेंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक। डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आया तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आया तो क्या, लॉस। इज दैट ओके? अच्छा मेरे रसगुल्ले बच्चों आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, पार्टनरशिप थोड़ा बहुत किया होगा तो नहीं किया, कोई बात नहीं, तो अभी मेरी किया थोड़ा बहुत, ठीक है अभी मेरी बात सुन सकते हो, असेट को कौन सा बैलेंस, असेट ऊपर रिवैल्यू हुई तो, रिवैल्यू तो एंट्री है, मेरे साथ बोलो असेट टू रिवैल्यूएशन, असेट ऊपर गई तो क्या करेंगे, असेट टू रिवैल्यूएशन, और अगर असेट नीचे गई तो क्या करेंगे, P&L बोल सकते हैं या रिवैल्यूएशन बोल सकते, P&L बोलेंगे अभी थोड़ी, क्या बोलेंगे, P&L टू असेट। चलो बताओ असेट को कौन सा बैलेंस, असेट ऊपर गई तो क्या बोले तुम, असेट टू रिवैल्यूएशन, और अगर नीचे गई तो, मैं ट्रिक क्या लगा रहा हूं, कितनी सिंपल ट्रिक है, असेट को कौन सा बैलेंस, असेट ऊपर गई तो, असेट ऊपर गई तो डेबिट, असेट नीचे गई तो क्या, क्रेडिट, और इसको क्या यूज करेंगे हम, रिवैल्यूएशन का। चलो जल्दी से बताओ असेट ऊपर गई, असेट ऊपर गई एंट्री बोलो बे, और अगर असेट नीचे गई तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन टू असेट, पूरी तरीके से सही नहीं, थोड़ा सा गलत है, उसमें P&L आता है,
क्योंकि जब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं हम तो उसको हिट पी एंड एल अकाउंट को डालते हैं डाउनवर्ड में, अपवर्ड में हम कहाँ डालते हैं रिवैल्यूएशन। सो लिख लेते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, बस इसके बाद में चले जाने का तुमको, अरे घर जाने का ना तुमको, जल्दी लिखो पागल, कितना लेट करते हैं। ये बच्चा बुक बंद करके बैठा था, सैड लाइफ, अपवर्ड रिवैल्यूएशन और ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। अपवर्ड रिवैल्यूएशन के वक्त एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, से यस, इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व भी बोल सकते हैं। और असेट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो पी एंड एल टू असेट अकाउंट। सर असेट डिस्पोजल अकाउंट कौन सा है बाय नेचर? बेटा जी असेट डिस्पोजल अकाउंट अगर नेट बैलेंस की बात करें तो इट इज असेट ओनली और अ रियल अकाउंट। असेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल इज एन असेट अकाउंट ओनली, बट उसके नेचर में मत जाओ, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो टेम्पररी अकाउंट बनाते हैं और उसको खाली कर देते हैं। बट असेट डिस्पोजल अकाउंट इज एन असेट ओनली, ठीक है। ए रसगुल्ले बच्चों, अब आपका आज का होमवर्क करके आओगे? मुझे कल कंपनी फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट याद चाहिए। मुझे दूसरी चीज ये याद चाहिए आपसे, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे कैसे होती है। मुझे तीसरी चीज आपसे चाहिए होमवर्क, बेटा कल नहीं करके आए, कमीनापंती करके आए तुम, आज नहीं करोगे तुम, कल जाओगे शिद्दत से बैठोगे, और तुम्हारे फाउंडेशन का फाइनल अकाउंट का टॉपिक था, उसके फॉर्मेट को देख के आओगे पक्का। देखो हमेशा ध्यान में रखना, तुम्हें आता है नहीं आता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें वो देख कर आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। जिन बच्चों ने देख लिया दोबारा मत देखना, बट जिन्होंने नहीं देखा एक बार देख के आओगे, इज दैट ओके? पक्का गुड़िया देखे आएगी। चलो अभी प्रेम से बाया बाया बोलेंगे, अंडी बंडी शंडी जो बाय बाय नहीं बोलेगा बाय बाय बोलेंगे, बेस्ट है। बाय बोलगा नहीं तो याद आती है मुझे, फिर घर में मैं कॉर्नर में बैठा रहता हूं।